बार मैंने सही की डाल दी एक्चुअली मैं पिछले पाँच मिनट से किसी <laughs> मैंने कोई और गलत सेशन शुरू कर दिया था गलत की एंटर कर दी थी uh, हर यूट्यूब लाइव सेशन की एक स्ट्रीम की होती है एक सॉर्ट sort ऑफ of एक पासवर्ड होता है तो मैंने एक गलत पासवर्ड डाल दिया था और उस वजह से मैंने कोई और सेशन शुरू कर दिया था और वो सेशन कहीं और चालू हो गया था आई होप फाइनली आई एंटर द राइट की एंड आई एम वेटिंग फॉर द कन्फर्मेशन फ्रॉम यू ऑल कि क्या सच में मेरी सेशन शुरू हुआ कि नहीं सो प्लीज़ लेट मी नो एज सुन एज द सेशन बिगिनस मैंने भी वैसे तो ओपन कर रखा है अपना ये वाली वीडियो ऑल राइट येस आई एम नाउ कॉन्फिडेंट कि अब ये सेशन शुरू या तो होने वाला है या फिर हो गया है uh, let's see, let's see, let's see. कुछ कॉमेंट वॉमेंट कर दो यार मुझे कन्फर्मेशन मिल जाए येस yes, अब मैं एटलीस्ट खुद को देख पा रहा हूँ तो आई नो फॉर अ फैक्ट कि हमारा सेशन फाइनली शुरू हो गया ग्रेट ओके तो गुड टू सी यू ऑल यार गुड टू बी बैक दिस इज़ अ डिफरेंट अन अकेडमी चैनल आप पहले मुझसे शायद नाइन्टी नाइन परसेंट चैनल पर डिसीजन मेकिंग के सेशन आपने मेरे करे होंगे तो आई कैन प्रॉमिस यू वन थिंग अगर आपको मेरे डिसीजन मेकिंग के सेशन अच्छे लगे तो जी डी तो एकदम धमाल मचाएंगे एकदम नाउ आप लोग आई होप जैड के की त्रासदी से जैड की पीड़ा से बाहर आ गए होंगे वैसे तो जैड आपकी बार कोई ज़्यादा मुश्किल था नहीं uh, मतलब जितना एक्सपेक्टेड मुश्किल होता है उतना ही था देवर नो बिग सरप्राइजेज रियली बट आई अंडरस्टैंड कि अलग अलग लोगों का अलग अलग एक्सपीरियंस हो सकता है रहा हो इसमें सो रिगार्डलेस ऑफ आपका जैड का कैसा भी एक्सपीरियंस रहा हो लेट इट गो लेट इट पास अब नेक्स्ट आपको स्टेज पे आना है विच इज़ प्रिपेयरिंग फॉर द ग्रुप डिस्कशन एंड पर्सनल इंटरव्यू दैट इज़ जी डी पी आई जी डी पी आई फेस और यहाँ की जो हमारी प्रिपरेशन होती है ना इट इज़ गोइंग टू बी अलॉट मोर फन सो वन थिंग दैट वुड सर्टेनली बी डिफरेंट फॉर जी डी पी आई इज़ दैट इट इज़ गोइंग टू बी अट मोर फन इट इज़ गोइंग टू भी अलाट मोर इंटरेस्टिंग इट्स गोइंग टू बी अलॉट मोर इंटरेक्टिव और जी डी पी आई एक ऐसी चीज़ है दोस्तों जो आपकी सिर्फ बी स्कूल के एंट्रेंस में काम नहीं आएगी वो दूसरी जगह भी काम आएगी ट्रूथ बी टोल्ड आप लत से अल्जबरा सीख रहे हो आप ज्योमेट्री सीख रहे हो ऑनेस्टली वंस यू आर डन विद कैट प्रिपरेशन ये आपके एम बी ए में कहीं काम नहीं आएगी आई कैन से प्रटी मच फॉर क्वाइट अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू आर लर्निंग इन योर कैट प्रपरेशन उसका बहुत डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता आप एम बी ए में जो भी करने वाले हो बट आई कैन टेल यू वन थिंग की जी डी पी आई की इस प्रिपरेशन में आप जो कुछ भी सीखोगे ना इसकी डायरेक्ट रिलेवेंस होने वाली है इसका डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ने वाला है बहुत सारी जगहों पर तो ईवन इफ लेट्स आप में से कोई अगर एम बी ए नहीं भी करने वाला या लेट्स बी स्कूल की प्रिपरेशन नहीं भी करी है तो अगर आपको लगता है कि सर वाई आर दीज सेशन रेलिवेंट फॉर मी मैं ये सेशन क्यों करूँ मैं तो टाइम वेस्ट कर रहा हूँ नहीं मुझे एक बात बताओ क्या आप अपनी लाइफ में कहीं पे भी इंटरव्यू देने वाले हो मतलब डू यू सी योर सेल्फ बींग इंटरव्यूड फॉर एनी थिंग एट ऑल इफ़ नॉट अ बी स्कूल इफ नॉट फॉर अ कॉलेज देन फॉर अ जॉब पर हैप्स येस अगर आप ग्रुप डिस्कशन नहीं भी करने वाले तो कैन यू इमेजिन योर सेल्फ इन अ सिचुएशन जहाँ पे पाँच छः लोगों के बीच में आप बात कर रहे हो जहाँ पे आप एक डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर रहे हो ज़रूरी नहीं है कि वो प्रोफेशनल रीजन से डिस्कशन हो रहा हो बट लेट्स से एनी डिस्कशन एक जनरल डिस्कशन अमंग लेट्स से फ्रेंड्स प्रोफेशनल कॉलीग्स राइट तो अगर आप इनमें से कोई भी चीज़ अपनी लाइफ में करने वाले हो तो आई कैन एश्योर यू कि जो हम इन सेशन में करने वाले हैं यू विल फाइंड दैट बेनिफिशियल यू विल फाइंड दैट एप्लीकलिकेबल यू विल फाइंड दैट रेलिवेंट ओके ऑल राइट आप लोगों के कॉमेंट्स मुझे कैसे देख सकते हैं ग्रेट अब मुझे आप लोगों के कॉमेंट्स भी दिखाई दे रहे हैं सो आई सी किसी ने लिखा है परचेज जी डी पी आई कोर्स ऑफ एन अकेडमी गुड यू प्लीज एक्सप्लेन दैट वॉट इज द डिफरेंस जपनीथ नॉट हेयर बट मैं एक चीज़ जब नहीं तो आपको बताने वाला हूँ कि मैं आपको पूरी जी डी पी आई प्रपरेशन फ्री कराने वाला हूँ तो आप में से जितने भी लोग हैं जो सोच रहे हैं कि यार जी डी पी आई के लिए कहाँ पे जाएँ कहाँ खर्चा करें कौन सा बढ़िया वाला इंस्टीट्यूट ज्वाइन करें मेरे उस दोस्त ने तो वो वाला ज्वाइन कर लिया है तो आई कैन एश्योर यू वन थिंग मैं आपको पूरा जी डी पी आई यूट्यूब पर फ्री कराने वाला हूँ एकदम अगर आपको लग रहा है कि नहीं सर हम नहीं मानते आई डोंट ट्रस्ट यू सर भरोसा नहीं आ रहा मुझे आई हैव ट्रस्ट इश्यूज़ आपने मेरे डिसीजन मेकिंग के सेशन किए मैंने वहाँ भी बोला था ना कि आपको पूरा डिसीजन मेकिंग कराऊंगा और बढ़िया कराऊंगा अगर आपने मेरे डिसीजन मेकिंग के सेशंस किए अगर आपने मेरे आर सी प्रैक्टिस सेशन किए हैं उससे पहले कैट की प्रिपरेशन में अगर आपने मेरे पैरा बेस प्रैक्टिस सेशंस किए हैं अगर आपने मेरे ग्रामर के सेशंस किए हैं तो जैसे मैंने वो चीज़ें आपको कराई उसी क्वालिटी इनफैक्ट कोशिश करूँगा उससे बेटर क्वालिटी में आपको पूरी जी डी पी आई प्रिपरेशन कराऊंगा सो दैट इज़ दी ऑब्जेक्टिव दैट इज़ वॉट आई इंटेंड टू डू इन दीज फ्री सेशन नाउ हाउ एम आई गोइंग टू डू दैट एक छोटा सा स्ट्रक्चर आपको मैं देना चाहता हूँ इस चीज़ के लिए सो so, मैंने ऑफकोर्स uh, मैं सारी चीज़ें तो एक साथ नहीं करा सकता सारी चीज़ें तो कोई भी एक साथ नहीं करा सकता और क्योंकि मैं सारी चीज़ें एक साथ नहीं करा सकता तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं चीज़ों को कंपार्टमेंटलाइज़ कर लूँगा चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट कर लूँगा तो हम ना अलग अलग छोटी छोटी सीरीज़ चलाएंगे तो एक तो हमारी बड़ी वाली सीरीज़ चली रही है जिसका नाम है जी डी पी आई सीरीज़ तो दिस इज़ द ग्रैंड सीरीज़ दैट आई एम स्टार्टिंग टूडे डिसीजन मेकिंग वाली तो छोटी सीरीज़ थी ये बड़ी सीरीज़ है और इस जी डी पी आई सीरीज़ के अंदर भी ना अपनी छोटी छोटी सीरीज़ चला करेंगी छोटी सीरीज़ बोले तो एक अपनी पर्सनल इंटरव्यू की सीरीज़ है तो इसके अपने सेशनस होंगे फिर एक अपनी जी डी की सीरीज़ चलेगी एक अपनी डब्ल्यू ए टी की सीरीज़ चलेगी एक अपनी इकनॉमिक अवेयरनेस बेसिकली आप में से काफ़ी लोगों की फाइनेंस या इकनॉमिक्स के जो इन्फॉर्मेशन होती है कि भाई जीडीपी जीएनपी क्या है रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट क्या होता है रियल जीडीपी क्या होती है और नॉमिनल जीडीपी क्या नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ क्या होती है बजट को लेके हमारी क्लासेस होंगी तो बेसिकली इकोनॉमिक्स और फाइनेंस इनके सेशंस तो ये सारी की सारी हमारी सब सीरीज़ रहेंगी जो विद इन द लार्जर जी डी सीरीज़ में लिया करूंगा तो आज हम क्या करने वाले हैं आज मैं इस बड़ी सी मेगा सीरीज़ की पहली छोटी सीरीज़ का शुरुआत कर रहा हूँ तो पूरी बड़ी की बड़ी सीरीज़ अपनी जी डी और उसके अंदर फर्दर छोटी छोटी सीरीज़ होंगी तो आज हम इस पी वाली सीरीज़ का आगाज़ कर रहे हैं अब मैं ये पीआई वाली सीरीज कैसे कंडक्ट करने वाला हूँ वो भी आपको बता देता हूँ मैं हर पीआई की सीरीज में एक क्वेश्चन को किस तरीके से टैकल करते हैं वो सिखाऊंगा हर सीरीज में अलग क्वेश्चन होगा हर सीरीज में मैं एक जैसे आज मैं इंट्रोडक्शन के बारे में बात करने वाला हूँ नेक्स्ट क्लास में मैं वाई एम की बात करूँगा उसके बाद हॉबीज़ की बात करूँगा हॉबीज़ और इंटरेस्ट की फिर एक क्लास में अकेडमिक्स और वर्क की बात करूँगा इस तरीके से हर पर्सनल इंटरव्यू के सेशन में मैं एक क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है कैसे उसका जवाब सोचना है वो आपको सिखाऊंगा और उसके बाद आप वो वाले जवाब अपने एंड पे लिखोगे ठीक है अब इसमें मैं अगर सोचो आप लोगों के सारे से सारे डाउट्स लेने लग जाऊँ जैसे कोई बोल रहा है सर रेसोपी सिखा दो कोई बोल रहा है कि सर ये इन सेशंस में आप ये वाला चीज़ कैसे कराने वाले सोचो अगर मैं सारे एफ का आंसर देने बैठ जाऊँ तो मैं एफ का आंसर ही देता रह जाऊँगा ना तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा जस्ट सिट बैक रिलैक्स मेरी क्लासेस को मूवी की तरह इन्जॉय करो जो लोग मुझसे पूरा वी ए आर सी जिन्होंने पढ़ा मैं वहाँ पे भी यही बोलता था कि मेरी क्लास को मूवी की तरह देखो बट याद रखो कि मेरी क्लास क्रिस्टोफर नोलन की मूवी है भाई की मूवी नहीं है तो इसको अगर भाई की मूवी समझ के देखोगे कि दिमाग नहीं लगा रहे तो कुछ समझ नहीं आएगा दिमाग अपने पास रखो क्रिस्टोफर नोलन की मूवी की तरह देखो सब समझ में आएगा एंड यस ऑलमोस्ट सारे सेशन वाई पे होंगे हो सकता है कुछ सेशन मैं अन अकेडमी की फ्री सेशन में कराऊं बट मैं आपको एश्योर करता हूं कि अगर मैं अनअकेडमी ऐप पर भी कोई सेशन कराऊंगा तो फ्री वाले सेशन कराऊंगा ये प्लस में कुछ नहीं कराऊंगा सारा पूरा जी फ्री है आपको ठीक है ऑल ना मैं और ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधा आपको ज्ञान देना शुरू करना चाहता हूँ बीच बीच में जो आपकी क्वेरीज हैं आगे चल के मैं लेता रहूँगा ठीक है बट किसी भी क्लास में मैं सिर्फ उस क्लास से रेलिवेंट क्वेरीज ही लूँगा फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कभी डब्ल्यू ए टी पे सेशन लूँगा तो मैं उसमें डब्ल्यू ए टी की क्वेरीज लूँगा ताकि सारी क्वेरीज़ भी एक जगह इकट्ठी हूँ अगर आज मैं पर्सनल इंटरव्यू के बारे में बताते हुए जी डी की क्वेरी लूँगा या डब्ल्यू ए टी की लूँगा एक्सटेम्परी की लूँगा तो सब स्कैटर्ड हो जाएगा ना तो मैं जो टॉपिक पढ़ाऊंगा मैं क्वेरीज़ उसी के बारे में लूँगा उस सेशन में ठीक है चलो दोस्तों नाउ सबसे पहले बिफोर आई इवन टॉक अबाउट टूडेज एजेंडा मैं आज का जो करने वाला हूँ उस पर हूँ एक अगर मैं आपको जल्दी से एक रोड मैप दिखाऊँ या अगर हम एक बात करें कि वॉट इज़ द जर्नी दैट यू आर ट्रैवलिंग और यू विल ट्रैवल कितनी ट्रैवल कर ली क्या बचिए आपकी पूरी की पूरी सिलेक्शन जर्नी एक्चुअली दो स्टेजेस में डिवाइडेड है पहली स्टेज आपकी ऑलरेडी पूरी हो चुकी है रिटर्न एग्ज़ाम दे लिया आपने अब आपके इस रिटर्न एग्ज़ाम के स्कोर पे और दूसरी जो चीज़ें हैं अब अदर इनपुट्स आपको पता ही है अकेडमिक्स होते हैं वर्क एक्स होते हैं ये सारी चीज़ें होते हैं उनके बारे में अब अभी बात नहीं करेंगे तो इस इन दोनों के बेसिस पे इन दोनों के कॉम्बिनेशन के बेसिस पे आपको सेकेंड स्टेज की कॉल या तो आएगी या तो नहीं आएगी ठीक है अब जहाँ से आएगी वहाँ पे क्या होगा वहाँ पे आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा पर्सनल इंटरव्यू के साथ साथ कुछ जगहों पे ग्रुप डिस्कशन होगा कहीं पे केस डिस्कशन होगा कहीं पे डब्ल्यू होगा कहीं पे पीआई भी होगा कहीं पे कुछ और ग्रुप एक्सरसाइजेस भी होती हैं सिम्बसिस में सो so, अलग अलग कॉलेजेस में अलग अलग सेकेंड स्टेज रहेगा और फाइनली इन दोनों स्टेजेस के कॉम्बिनेशन के बेसिस पे एक मेरिट लिस्ट बनेगी तो पहले तो ये जान लो कि जो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है उसमें स्टेज वन और स्टेज टू दोनों का कॉम्बिनेशन यूज़ होता है ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्टेज टू स्टेज टू के बेसिस पे सिलेक्शन हो गया आपके फाइनल सिलेक्शन में भी आपकी जो परसेंटाइल थी इन द एग्ज़ाम आपका वर्क एक्स वो सारी चीज़ें मैटर करेंगी अब मेरा सवाल सबसे पहले ये है कि इस पूरे के पूरे प्रोसेस का ऑब्जेक्टिव क्या है ये पूरा का पूरा जो जी का प्रोसेस है आपके अंदर क्या देखना चाहता है सी किसी भी प्रोसेस का कुछ तो ऑब्जेक्टिव होता है ना ऐसा तो नहीं है कि इंडी पिंडी पापा शिंडी इन्होंने कहा चल आ इंटरव्यू कराते हैं चल आज मन कर रहा है मेरा ग्रुप डिस्कशन का नहीं सो वेन अ प्रोसेस इज डिज़ाइन देर इज अ सर्टन इंटेंट देर इज अ सर्टन ऑब्जेक्टिव बिहाइंड इट अगर मैं आपसे एक जेनरिक सवाल पूछूँ कि वॉट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी सलेक्शन प्रोसेस मेरा सवाल देखो किसी भी सिलेक्शन प्रोसेस का सबसे बड़ा इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है तो आई एम श्योर आप लोग मानोगे कि सर सिलेक्शन प्रोसेस का ऑब्जेक्टिव तो ये होगा ना कि बेस्ट बंदा सेलेक्ट कर सकें भाई हमने हमारे यहाँ सौ लोगों ने अप्लाई किया सबको तो जॉब दे नहीं सकते तो हम सेलेक्ट करेंगे कि यार कौन सा हमारी जॉब के लिए बेस्ट कैंडिडेट है सिमिलरली कोई भी सिलेक्शन प्रोसेस जब किसी प्रोफेशन के लिए होता है चाहे आपका चाहे एक uh, टीचर का सिलेक्शन प्रोसेस हो लेट्स लेन अकेडमी में देर इज अ डिग्रेस सिलेक्शन प्रोसेस दैट इज़ फॉलोड अगेन उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है सिलेक्शन प्रोसेस का कि यार वही बंदा सलेक्ट होके आए हु इज़ लाइकली टू बी अ गुड एजुकेटर सिमिलरली एक आर्मी का जो पूरा सिलेक्शन प्रोसेस होता है उसका पर्पज़ क्या होता है कि इस पूरे सिलेक्शन प्रोसेस के थ्रू वो बंदा निकल के आए हु कैन बी अ हु इज़ पोटेंशियली अ गुड आर्मी ऑफिसर सी जब सिलेक्शन प्रोसेस होता है मैं एन डी ए के सिलेक्शन प्रोसेस में गया था तो आई हैव दैट फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस क्या किसी को पता है कि कौन बंदा ग्रेट आर्मी ऑफिसर बनेगा इवेंचुअली तो देखो यार वक्त ही बताता है बट सेलेक्शन प्रोसेस आपके अंदर कुछ ऐसे की ट्रेट्स देखने की कोशिश करता है कुछ की कैरेक्ट्रिस्टिक्स देखने की कोशिश करता है जो कि उस प्रोफेशन के लिए मैंडेटरी है उस प्रोफेशन के लिए इंडिस्पेंसिबल है तो ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है इसका पर्पज़ क्या है इसका पर्पस है टू सेलेक्ट पोटेंशियल मैनेजर्स गुड पोटेंशियल मैनेजर्स ठीक है मतलब ऐसे लोग सेलेक्ट करने हैं जो अच्छे मैनेजर्स बनने का पोटेंशियल रखते हैं तो अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट आर द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट वाइटल मैनेजेरियल ट्रेट्स मतलब एक मैनेजर के अंदर कौन सी दो सबसे जरूरी क्वालिटीज है जो होनी होनी चाहिए क्या लगता है आपको अगेन नो नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर्स अगर आपको आपको लगता है कि मेरा आंसर आई एम नॉट श्योर सही है कि नहीं है नो no वरीज आपको जो लगता है वो आंसर दो क्या लगता है आपको एक मैनेजर बनने के लिए सबसे ज़रूरी क्वालिटीज़ कौन सी होती हैं कि दीज आर द दीज आर द की क्वालिटीज़ टू बी ए सक्सेसफुल मैनेजर आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स ऑल राइट लीडरशिप बोल रहा तने नहीं मैनेजर बनने के लिए लीडरशिप क्वालिटी नहीं चाहिए इनफैक्ट आप पहले मैनेजर बनते हो तने कि पहले लीडर बनते हो तो आई एम श्योर आप एग्री करोगे आप सब लोग दैट यू फर्स्ट बिकम अ मैनेजर देन बिगे अ लीडर यू कैन नॉट बिगेन एज अ लीडर राइट ओके और क्या क्या चीज़ें आ रही हैं सिचुएशन को हैंडल करना चलो मे बी थोड़ा बहुत एथिकनेस एथिक एथिकल होना चाहिए मतलब एथिक्स होने चाहिए आपके अंदर मैनेजर बनने के लिए क्या एथिक्स सबसे ज़रूरी चीज़ है नहीं मैनेजर बनने के लिए एथिक सबसे ज़रूरी चीज़ नहीं है इनफैक्ट ज़्यादातर मैनेजर्स ज़्यादा एथिकल होते भी नहीं है कम्युनिकेशन बोल रहे सुशील सुशील क्या कम्युनिकेशन एक ऐसी चीज़ है जो डेवलप की जा सकती है आप मुझे बताओ मैंने कल रात को एक मूवी देखी ट्वेल्थ फेल अच्छी मूवी है आप लोगों को भी देखनी चाहिए उस बंदे की अंग्रेज़ी की कितनी तगड़ी दिक्कत थी ना इनफैक्ट उसको इंटरव्यू में बोलता भी है कि यार तुमको अंग्रेज़ी बोलनी नहीं आती तो इस पर वो वही जवाब देता है कि सर पानी के अंदर ग्लास के अंदर का पानी जरूरी है ना ग्लास स्टील का हो कांच का हो उसका क्या करना तो क्या आपको लगता है कि कम्युनिकेशन अब मुझे पता है कम्युनिकेशन इज नॉट जस्ट इंग्लिश बट मैं आपसे इन जनरल बोल रहा हूं कि अगर किसी की कम्युनिकेशन खराब भी है डू यू थिंक दैट कैन बी इंप्रूव डू यू थिंक दैट कैन बी वर्कड अपॉन ऑफकोर्स सो कम्युनिकेशन इज नॉट अ कोर पार्ट ऑफ इट्स इज नॉट एन इंडिस्पेंसिबल स्किल इट इट कैन बी डेवलप्ड राइट पेशेंस होना चाहिए मतलब कोई काम नहीं कर रहा कोई आगे गाली निकाल रहा है मैनेजर को मैनेजर चुपचाप सुन सके कोई उसको बोल रहा है कि मैनेजर कॉल कर रहा है अभी बाद में कॉल करूंगा मैनेजर बैठा हुआ है कि कोई नहीं कर लेगा कोई नहीं दो घंटे कोई नहीं कल अरे अगले हफ्ते कर लेगा पेशेंस होने चाहिए नहीं टीम पर्सन अब अपना बींग अ टीम पर्सन इज अज इज एन इंडिस्पेंसेबल पार्ट ऑफ बींग अ टीम प्लेयर बट माई क्वेश्चन की मैनेजर बनने के लिए सबसे जरूरी चीज़ क्या है तो अभी तक कहीं पे भी कॉन्फिडेंस ओ तेरी प्रिया ने सही जवाब दे दिया कि सर कॉन्फिडेंस चाहिए बंदे में होना चाहिए कॉन्फिडेंस मैं कर लूँगा मैं करके दिखाऊँगा चाहे बाद में डिलीवर कर पाए ना कर पाए कॉन्फिडेंस होना चाहिए तो एक्चुअली में जितने भी आंसर्स आ रहे हैं उनमें से ज़्यादातर गलत है नाउ द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी फॉर बींग अ मैनेजर इज़ दिस रैशनैलिटी नाउ वट इज़ रैशनैलिटी रैशनैलिटी इज़ द एबिलिटी टू अप्लाई योर ब्रेन्स इन अ गिवन सिचुएशन आप अपना दिमाग एक पर्टिकुलर सिचुएशन में अप्लाई कर पा रहे हो आप एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम uh, को सॉल्व कर पा रहे हो यूजिंग योर ब्रेन्स दैट इज रेशनैलिटी अब ये रेशनैलिटी कैसे चेक हो सकती है uh, चलो अपने मन में सोचो मतलब मैं जवाब तो वैसे भी दे दूँगा आप अपने मन में सोचना एक किलो लोहा और एक किलो लक्कड़ में ज्यादा भारी क्या होता है अपने मन में सोचो जवाब नहीं चाहिए मुझे एक किलो लोहा और एक किलो लक्ड़ में क्या ज़्यादा भारी होता है मैं जब भी इस क्वेश्चन को लेके पोल कराता हूँ ना इसका आंसर कुछ लोग लोहा बोलते हैं कुछ लोग लक्कड़ बोलते हैं बट इसका असल में आंसर तो यही हुआ ना कि दोनों बराबर होंगे अरे यार एक किलो लोहा है एक किलो लक्कड़ है कोई ज़्यादा भारी या कम भारी कैसे हो सकता है ऑब्वियसली दोनों बराबर ही होंगे बट जस्ट थिंक अबाउट इट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कौन से सब्जेक्ट की नॉलेज चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या कोई फिज केमिस्ट्री बैकग्राउंड का स्टूडेंट ही बोल सकता है कि सर ये तो आपने मेटलर्जी का क्वेश्चन पूछ लिया मैं तो केमिस्ट्री का हूँ या कोई आर्ट्स वाला ये बोल सकता है कि सर दिस डज नॉट बिलोंग टू तो माई फील्ड दिस क्वेश्चन डज नॉट रिक्वायर यू टू हैव एनी सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज इसके लिए सिर्फ दिमाग चाहिए आपको सिर्फ रेशनलैटी चाहिए सिर्फ इंटेलिजेंस चाहिए अगर आपके पास दिमाग इंटेलिजेंस रेशनैलिटी है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल कर सकते हो ना इज़ रेशनैलिटी और ये डेशनैलिटी कैसे टेस्ट होती है वही आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम्स में अगर आप रिफ्लेक्ट करो कि जितने भी आपने डेंसिटी का कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे रहा सोचना आराम से सोचना वेट कंपेयर कर रहे हैं अगर एक तरफ एक किलो लत से चीनी है और एक किलो नमक है मैं दोनों को एक पलड़े में रख दूं तो दोनों इक्वली तो आएंगे इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि चीनी की डेंसिटी कितनी नमक की डेंसिटी कितनी वेट में डेंसिटी तो ऑलरेडी अकाउंट हो गई नाउ अंडरस्टैंड कि जो आपने अभी तक का प्रोसेस अभी तक जो प्रोसेस आपने फॉलो किया मतलब जो आपने रिटर्न एग्जाम दिए कैट दिया जैड दिया असेंशली उसमें आपकी इंटेलिजेंस उसमें आपकी रेशनैलिटी ही चेक हो रही थी बिकॉज दिस इज द मोस्ट एलिमेंट ऑफ अ सक्सेसफुल मैनेजर क्योंकि आपको एज अ मैनेजर यही करना है प्रॉब्लम सॉल्व करनी है और उसका कोई सेट रूल नहीं है उसका कोई जूनियर गाइड बुक नहीं होती कि तेरे को प्रॉब्लम सॉल्व करनी है ये आपकी रूल बुक है जब भी प्रॉब्लम हो प्रॉब्लम नंबर ओके के सेवेंटी प्रॉब्लम नंबर सेवेंटी टू आंसर दिया हुआ है नहीं यू विल हैव टू अप्लाई योर ब्रेन एंड सॉल्व दैट प्रॉब्लम थिंक अबाउट वट हैपन ड्यूरिंग द पेंडेमिक दुनिया घर में लॉकड है आपकी पूरी टीम अपने अपने घर में और वो भी एक शहर में भी नहीं है कोई आपका टीम है पुणे में कोई है लखनऊ में कोई दिल्ली में कोई

और प्रॉब्लम को सॉल्व करके दिखा ठीक और यही रैशनैलिटी है जो आपके आने वाले सेकेंड स्टेज में भी बिल्कुल टेस्ट की जाएगी इफ यू आर वंडरिंग सर ठीक है ये तो एक हो गई दूसरी कौन सी सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी होती है सिंसेरिटी वाई सिंसेरिटी इंपॉर्टेंट इमेजिन अ पर्सन हु इज वेरी इंटेलिजेंट आई क्यू जबरदस्त जीनियस लेवल का बंदा है बट वो अपने काम को लेकर सिंसियर नहीं है डू यू थिंक दिस पर्सन वुड बी एन एसेट टू एन ऑर्गेनाइजेशन डू यू थिंक ही इज गोइंग टू बी समन हु वुड गो ऑन टू बिकम इनडिस्पेंसेबल सोचो एक शेयर कितना ही ज़्यादा खूंखार कितना ही ज़्यादा खतरनाक और एबल हो अगर वो अपनी गुफा से बाहर निकल के पूरी कोशिश नहीं करेगा तो उसको भी खाना नहीं मिलेगा ना वो भी भूखा मरेगा सिमिलरली यू आर यूजलेस टू एन ऑर्गनाइजेशन इफ़ यू आर नॉट सिंसियर इन योर वर्क राइट अब अगर आप पूछो कि सर सेंसेरिटी कैसे चेक हो सकती है किसी से पूछते हैं क्या कि हाउ सिंसेर यू आर नहीं आपसे सीधा सीधा नहीं पूछते बट आपकी सेंसेरिटी देखने की कोशिश करते हैं क्या लगता है कि बी स्कूल वाले आपके अकेडमिक्स क्यों पूछते हैं अब आप में से काफ़ी लोगों को ये दिक्कत होगी ना कि प्रॉब्लम होगी कि सर ये गड़े मुर्दे उखाड़ते हैं सर अब मेरे एग्जाम्स में ट्वेल्थ में ख़राब परसेंटेज आ गई टेंथ में ख़राब परसेंटेज आ गई कब तक उसको लेके ढूंढंगा मैं मुझे एक बात बताओ अगर किसी की टेंथ और ट्वेल्थ में और इवन ग्रेजुएशन में बहुत हाई परसेंटेज है मतलब टेंथ में टेंथ सी जी पी ए है ट्वेल्थ में नाइन्टी फोर परसेंट है कॉलेज में भी एटी एट परसेंट है कैनाई से दैट दिस पर्सन इज़ वेरी इंटेलिजेंट कैन आई से हिज ब्रेन इज़ वेरी शार्प बहुत रैशनैलिटी बहुत हाई होगी इसकी क्या ऐसा बोल सकते हैं कि दिस पर्सन वुड डेफिनेटली बी हैव अ वेरी शार्प माइंड ही वुड बी वेरी इंटेलिजेंट येस वॉट डू यू थिंक क्या लगता है मुझे तो नहीं लगता मैंने तो अपनी लाइफ में ऐसे लोग देखे हैं कि जिनकी नाइनटी नाइन्टी परसेंट है और उन उनसे बात करो ना तो पता लग जाता है कि इस बंदे के अंदर दिमाग तो बहुत कम है हैव वी ऑल मेट ऑल ऑफ दोज पीपल येस ऑन द कॉन्ट्रेरी वी मेड पीपल जिनकी पचास से ऊपर कभी नहीं आई बट दिमाग ज़बरदस्त है ऐसे भी लोग मिले हैं हमको तो सोच के देखो आप ये मानते हो ना कि हमारे स्कूल कॉलेज की परसेंटेज का हमारे आईक्यू लेवल से कोई लेना देना नहीं है मेरा तो एटलीस्ट मानना है क्या बी स्कूल वालों को लगता है कि ये बहुत इंटेलिजेंट है इनके अंदर बहुत रैशनैलिटी है नहीं फिर बी स्कूल्स वाले अकेडमिक्स के स्कोर क्यों देते हैं अकेडमिक्स को वेट क्यों देते हैं इट इज़ बिकॉज अच्छा आप लोग बताओ अगर किसी की टेंथ में सी किसी की टेंथ में टेंथ सी जी पी ए ट्वेल्थ में नाइन्टी फोर परसेंट ग्रेजुएशन में एटी एट परसेंट कैन आई से दैट दिस पर्सन हैज़ बीन सिंसियर इन स्टडीज़ ये ये निकल के आता है कि ये बंदा अपनी पढ़ाई को लेके अभी तक सिंसियर रहा है तो इसके अंदर और कोई क्वालिटी हो या ना हो इस बंदे की सिंसेरिटी तो सीधा सीधा इसके मार्क्स में झलकती है ना इट इज दिस सिंसियरिटी दैट दे वॉन्ट टू रिवॉर्ड इसके भी तो तबीयत कभी ख़राब हुई होगी इसका भी तो कॉलेज में मन करता होगा डेट वेट करने का या मतलब इसका भी तो कभी हार्ट ब्रेक हुआ होगा इसकी भी तो कभी ऐसा होता होगा कि कॉलेज भी है और उसी दिन वर्ल्ड कप का फाइनल भी है बट चाहे इसकी लाइफ में कुछ भी हो ये बंदा अपनी पढ़ाई को सफ़र नहीं करने देता जो इसका काम है एक स्टूडेंट का काम क्या होता है पढ़ाई करना ही काम होता है ना तो ये उसको सफ़र नहीं करने देता राइट इट इज़ दिस सिंसेरिटी दैट दे वॉन्ट टू सी इन यू अब अगर कोई बोले कि सर मेरी चलो ग्रेजुएशन में या मेरे अकेडमिक्स में अच्छा स्कोर नहीं है तो क्या ये प्रूव हो चुका है कि मैं सिंसियर नहीं हूँ आई हैव नो अदर वे यू डू यू हैव इसी का मौका आपको पर्सनल इंटरव्यू में मिलेगा यहाँ पे आप अपनी सिंसेयरिटी दिखाओगे इसी का मौका आपको यहाँ पे मिलेगा यहाँ पे आप अपनी सिंसेयरिटी दिखाओगे अब ये पूरी की पूरी मैं कहानी आपको ये राम कहानी क्यों बता रहा हूँ कि बी स्कूल वाले क्या देखना चाहते हैं सो दैट यू कैन मेक सेंस ऑफ द एंटायर प्रोसेस मैं आगे आपको जो कुछ भी बताने वाला हूँ ग्रुप डिस्कशन डब्ल्यू पर्सनल इंटरव्यू यू यू विल बी एबल टू मेक सेंस ऑफ ऑल ऑफ दैट अगर आपको पता होगी बी स्कूल आपके अंदर देखना क्या चाह रहा है पहले तो इनफैक्ट अगर आपको ये पता है ना कि बी स्कूल आपके अंदर कौन सी क्वालिटीज़ जज कर रहा है कौन सी क्वालिटीज़ चेक कर रहा है अगर कोई नया टाइप की एक्सरसाइज आ जाती है कोई नए टाइप का क्वेश्चन आ जाता है जिसको लेके आपने प्रिपेयर नहीं किया यू विल स्टिल बी एबल टू मैनेज दैट क्वेश्चन इफ़ यू नो कि मुझे यहाँ पे क्या डेमोन्स्ट्रेट करना है मैं वी आर सी पढ़ाता हूँ प्राइमरली दैट इज वॉट माई वॉट वॉट माई फुल टाइम जॉब इज आप में से कुछ लोग शायद मुझसे बड़े भी होंगे अब हमने स्टूडेंट्स को वी ए आर सी को लेकर अलग अलग क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए लास्ट ईयर फेरा पैरा जम्बल आर सीज ऑड ऑड वन आउट समरी एक नए टाइप का क्वेश्चन आ गया सेंटेंस इंसर्शन नाउ दिस वॉज द लास्ट ईयर वॉज द फर्स्ट टाइम कैट ट्वेंटी टू जब ये क्वेश्चन आया किसी ने इसको लेके प्रिपरेशन नहीं कर रखी थी बट अगेन अगर आपको अगर आपकी कॉम्प्रिहेंशन अच्छी है अगर आप प्रेडिक्ट कर पाते हो आगे क्या आने वाला है अगर आपको ये पता है कि हमको क्रिटिकल रीजनिंग में ऑब्जेक्टिव क्या होता है यू विल भी एबल टू अटेम्प्ट एंड सॉल्व दैट क्वेश्चन राइट सेम चीज यहाँ पे भी है अगर आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर है आपको पता है कि बिस्कुल क्या देखना चाहता है तो इट विल हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग इट विल हेल्प यू इन मेकिंग सेंस ऑफ द प्रोसेस यस अब आप पहले तो सबसे पहले तो ये जान लो कि पूरा का पूरा जो जी डी पी आई का प्रोसेस है ना उसका ऑब्जेक्टिव यही दो चीज़ें जज करना है क्या सिंसेरिटी और रैशनैलिटी तो आगे भी पूरा का पूरा जो हमारा प्रोसेस रहेगा इसमें अब मुझे दोबारा मैं इसको रिपीट नहीं करूँगा ऑफकोर्स आज तो पहला ही सेशन है तो आई वॉन्ट टू वॉन्ट यू टू नो कि हम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं जैसे दबंग में दबंग जो पहला वाला पार्ट था उसमें जब इसकी चुलबुल पांडे की शादी होती है रज्जो से तो सुहागरात के दिन वो पूछती है कि पांडे जी आप जो आज किए वो ठीक नहीं किए जब वो शादी हाईजैक कर लेते हैं अपने भाई की मक्खी की तो उस पर दबंग में क्या बोलता है चुलबुल पांडे कि कुछ दिन हमारे साथ रह लीजिए सब समझ जाएंगे कि हम क्या करते हैं और क्यों करते हैं तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट डू नो तो इसीलिए समझ जाओ कि ये इतना जान के आपको ये पता लग जाएगा कि हम क्या करते हैं और हम क्यों करते हैं ठीक है तो इसी तरीके से यहाँ पे ये ज़रूरी है कि इस पूरे पूरा का जो पूरा प्रोसेस है आपका रिटर्न एग्जाम सिर्फ आपकी रैशनैलिटी देखने के लिए था आपके जो अलग अलग इनपुट्स मांगे जाते हैं वो सारे के सारे आपकी सिंसेरिटी चेक करने के लिए होते हैं सिमिलरली पर्सनल इंटरव्यू केस डिस्कशन ग्रुप डिस्कशन सब में से यही है रैशनैलिटी और सिंसेरिटी यही दो चीज़ें चेक की जाएंगी ठीक है ऑल राइट लेट्स मूव विद मूव ऑन विद मूव फर्दर विद द एजेंडा नाव वॉट आर थिंग्स मैटर इन पर्सनल इंटरव्यू क्या क्या चीज़ें मैटर करती हैं आई थिंक नाव वी आर कमिंग टू द पार्ट देट यू आर हेयर फॉर काफ़ी लोग ये भी सोच रहे होंगे कि क्या यार ये ज्ञान बहुत देता है काम पे आ सीधा तो मैं थोड़ा चीज़ों को एलेबोरेट तो करता हूँ जिन्होंने डी एम पढ़ा है मेरे साथ वो तो अच्छे से जानते हैं सो पर्सनल इंटरव्यू क्यों मैटर करता है या क्या चीज़ें मैटर करती हैं पर्सनल इंटरव्यू में पर्सनल इंटरव्यू में तीन चीज़ें हैं जो जो चीज़ें मैटर करती हैं उनको अगर मैं कैटेगराइज़ करूं तो सबसे एक चीज़ आ जाती है बॉडी लैंग्वेज अब बॉडी लैंग्वेज अलग अलग चीज़ों में है अब बैठे कैसे उठे कैसे चले कैसे हाव भाव कैसे हुआ और इन सब के बारे में हम करेंगे मैं एक पूरा सेशन लूँगा बॉडी कम्युनिकेशन के ऊपर अच्छा वैसे तो देखा जाए तो बॉडी लैंग्वेज भी कम्युनिकेशन का ही पार्ट है दिस इज़ अ पार्ट ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बट फिलहाल आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने इनको डिवाइड कर दिया कम्युनिकेशन में अलग अलग चीज़ें आ जाती हैं फ्लुएंसी चॉइस ऑफ वर्ड रेट ऑफ स्पीच ये सारी चीज़ें और मैं इनके ऊपर भी एक अलग से सेशन लूंगा ठीक है देन वी हैव थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट विच इज़ कॉन्टेंट नाउ कॉन्टेंट इज़ द किंग तो पहले तो ये क्लियर कर लो अगर किसी को ये लग रहा है कि सर मैं तो अंग्रेज़ी इतनी बढ़िया बोलूँगा ना ऐसी फर्राटेदार इंग्लिश बोलूँगा फ़ाफू फाफू फाफू फा तो आपकी फर्राटेदार अंग्रेज़ी पे आपको कोई नहीं लेने वाला ऑन दी अदर हैंड आपकी खराब अंग्रेज़ी पे कोई आपको रिजेक्ट भी नहीं करने वाला आई नो कि आपको बहुत सारे ऐसे भी गुरु गुरु बड़े बड़े महागुरु मिलेंगे जो आपको बोलेंगे कि यार अंग्रेज़ी बढ़िया होनी चाहिए इंग्लिश पर बहुत ज़्यादा वर्क करो हम कोशिश करेंगे फ्लुएंट होने की जितना हो सके बट मैं आपको एक बात क्लियर कर दूँ कि आपकी फ्लुएंसी के बेसिस पे आपकी अंग्रेजी के बेसिस पे कोई भी आपको सेलेक्ट या रिजेक्ट नहीं करेगा ठीक है दोबारा सुन लीजिए आप अपनी अंग्रेजी के बेसिस पे ना सेलेक्ट हो सकते हैं ना रिजेक्ट हो सकते हैं द पार्ट दैट मैटर्स मोज द पार्ट दैट विल डिटरमिन योर सेलेक्शन और रिजेक्शन इज द क्वालिटी ऑफ योर आंसर्स सो कॉन्टेंट बेसिकली क्या होता है इट इज़ द क्वालिटी ऑफ योर आंसर्स इट इज द इट इज हाउ रेलिवेंट दैट योर आंसर्स वर इट इज हाउ हाउ मच सेंस डिड योर आंसर्स मेक हाउ पर्टिनेंट योर आंसर्स वो टू द क्वेश्चन आपके आंसर्स की क्वालिटी डिटर्मिन करेगी कि आप सेलेक्ट हो गए या आप नहीं होगे ठीक है और इसी पर मैं काफ़ी फोकस करने वाला हूँ अपनी पी आई वाली सीरीज में ठीक सो वी विल टॉक अबाउट द क्वालिटी ऑफ आंसर्स वी विल टॉक अबाउट द करेक्टनेस ऑफ आंसर्स वी विल टॉक अबाउट द रेलिवेंस ऑफ आंसर्स विच ब्रिंग्स मी टू टूडेज एजेंडा कि वॉट ऑल क्वेश्चन आर देयर हमको अलग अलग आंसर प्रिपेयर करने हैं तो सवाल क्या क्या है ये भी पता होने चाहिए तो क्या लगता है आपको कि सबसे uh, पहला सवाल क्या होता है इंटरव्यू प्रोसेस का सो वॉट इज द कॉमनेस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट इज आस्ट सो आई बिलीव हम सब जानते हैं कि सबसे पहला सवाल सबसे कॉमन सवाल सबसे इंपॉर्टेंट सवाल और वो सवाल एक सवाल जो हमको पता है कि पूछा जाने ही वाला है कौन सा सवाल है टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ इंट्रोड्यूस योर सेल्फ हाउ वुड यू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ वॉट वुड यू लाइक टू टेलस अबाउट योर सेल्फ ये सारे के सारे एक ही क्वेश्चन है तो इसको चाहे कैसे भी घुमा के पूछा जाए इसको चाहे कैसे भी तोड़ मरोड़ के दिया जाए असेंशियली जब भी ये सवाल पूछा जाए तो वो आपको इंट्रोड्यूस करने को बोल रहा है अब इसको अपने आप को इंट्रोड्यूस कैसे करना चाहिए वॉट आर द थिंग्स टू कीप इन माइंड हाउ टू नॉट जस्ट गिव अ वैलिड और एक्सेप्टेबल इंट्रोडक्शन बट अ धांसू इंट्रोडक्शन चलो मुझे एक ये बात बताओ अगर आपका एक एग्जाम होने वाला है एक एक हफ्ते बाद एक महीने बाद एक साल बाद एंड देर इज वन क्वेश्चन दैट यू आर श्योर कि ये क्वेश्चन तो पूछेंगे ही पूछेंगे इज इट समथिंग समथिंग गुड इज इट दैट वर्क्स इन योर फेवर और डू यू थिंक दैट समथिंग बैड अगर मान लो आपका यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हो आप या आ, कैट ही दे रहे हो लेट्स से और आपको पता है कि ये वाला क्वेश्चन तो कैट में आएगा ही आएगा तो मेरे ख्याल से तो ये बहुत बढ़िया चीज है, है मेरे ख्याल से तो ये एक वरदान है इट्स अ बून क्योंकि मुझे पता है कि इस वाले ये वाला क्वेश्चन तो आना ही आना है तो नाउ आई वुड एब्सोल्युटली नॉट जस्ट ट्राई टू आई वुड नॉट जस्ट ट्राई टू प्रिपेयर एन आंसर टू दिस क्वेश्चन आई वुड ट्राई टू प्रिपेयर द बेस्ट पॉसिबल आंसर टू दिस क्वेश्चन यस मैं इस क्वेश्चन का ऐसा आंसर प्रिपेयर करूँगा कि मतलब ये वाले क्वेश्चन का आंसर जहाँ पे मैंने दिया ना वहाँ पे ऐसा हो जाएगा कि बस अब तो पैनल मेरा फैन हो जाएगा मेरा मुरीद हो जाएगा राइट right? तो कैसे दे इस सवाल का सही आंसर क्या होता है अब पहले तो गलत आंसर क्या होता है इसका ऑफकोर्स फिल्मी आंसर कोई भी फिल्मी आंसर अगर आप बनाते हो तो गलत है तो पूछें कि टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ यू फर्स्ट यू टेल मी अबाउट योर सेल्फ टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ वॉट यू वॉन्ट टू नो अबाउट माई सेल्फ तो ये वाला ऐसा कोई आंसर नहीं देना कोई चीज़ी आंसर नहीं देना कोई पिकअप लाइन यूज़ नहीं करनी तो मेरे बारे में मेरी अब मैं अपनी तारीफ अपने मुँह से क्या करूँ कौन है वो पूछते हैं हमसे कौन है वो पूछते हैं हमसे अब हम उन्हें क्या बताएं कि हम क्या हैं <laughs> तो ऐसा जवाब तो बिल्कुल नहीं देंगे कैसा जवाब देंगे ऑन अ सीरियस नोट हाउ डू आई स्ट्रक्चर माई इंट्रोडक्शन नाउ हेयर इज समथिंग दैट आई एम गोइंग टू टेल यू अगेन इसको आप मेरा लोकेशिज्म वे कह सकते हो दिस इज माई लोकेशिज्म वे टू आंसर द इंटू टू प्रिपेयर द इंट्रोडक्शन क्वेश्चन जैसे आप में से जिन लोगों ने मेरे साथ वी पढ़ी होगी तो मेरे लोकेशम वेज़ होते हैं हर चीज़ को क्वेश्चन को क्वेश्चन टाइप्स को अटैम्प्ट करने के मेरे अपने बनाए तरीके होते हैं तो ये मेरा लोकेशम वे है इंट्रोडक्शन का आंसर प्रिपेयर करने का ठीक है सो दिस इज़ हाउ यू विल प्रिपेयर योर आंसर आप एक शीट लो और उस शीट को दो पार्ट में डिवाइड करो ठीक है अब जब आपने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो आपको इधर यहाँ पे राइट साइड और लेफ़्ट साइड दो अलग अलग आपने अपने, अपने आपको एक लिस्ट बनानी है किस चीज़ की लिस्ट बनानी है बताता हूँ एक तरफ आपको लिस्ट बनानी है पॉजिटिव की अब ये पॉजिटिव क्या चीज़ है पॉजिटिव बेसिकली कोई भी ऐसी चीज़ है दैट यू आर गुड एट पॉजिटिव का मतलब एनी थिंग दैट यू आर नॉलेजिबल ऑफ पॉजिटिव का मतलब एनी थिंग दैट यू कैन टॉक टॉक एट लेंथ ऑन एनी थिंग दैट यू आर वेरी गुड एट एनी दैट यू हैव यू नो इन डेप्थ अबाउट बेसिकली वो चीज़ें जिनके बारे में आप चाहते हो कि इंटरव्यू में बात हो सो एनी थिंग दैट यू वॉन्ट द इंटरव्यूअर टू टॉक अबाउट एनी थिंग दैट यू वॉन्ट टू बी डिस्कस्ड इन द इंटरव्यू वो यहाँ पे होना चाहिए दूसरे वाले पार्ट का नाम है नेगेटिव ये वो सारी चीज़ें हैं जो आपके इंट्रोडक्शन में जो जिनके बारे में आपको नहीं पता जिनके बारे में आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है जिनके बारे में आप आ, अगर बात हो तो आपकी लस्सी हो जाएगी आप यूँ सोचो लेट्स से आप एक पार्टी में गए हो and you are let's say talking to a girl for the first time and uh, you want to make an impression right now how would you make an impression would you make an impression by talking about things that you have not much clue about jaise mujhe football ke bare mein kuch nahi pata तो मैं फुटबॉल के बारे में बात कर लूँगा हाँ हाँ फुटबॉल तो बिल्कुल बिल्कुल कल तो इनफैक्ट जो मैच था उसमें पंद्रह रन मारे एक टीम ने फुटबॉल में तो पता लग गया ना कि इसको कुछ नहीं पता सो वाई टॉक अबाउट थिंग्स जिनके बारे में मैं नहीं जानता जिनके बारे में बात हो तो मेरी किरकिरी होने वाली है राइट right? मुझे उन चीजों के बारे में बात करना चाहिए ना जिनके बारे में मैं अच्छे से जानता हूँ दैट इज़ वॉट पॉजिटिव इज अब फर्दर इन पॉजिटिव को पहले तो एक लिस्ट बना के एक नोट कर लो कि कौन कौन सी चीजें हैं जो आपका पॉजिटिव है जिनके बारे में आप काफी अच्छे से जानते हो अब क्या क्या चीजें हो सकती हैं एनी थिंग एंड एवरी थिंग आप डांस अच्छा करते हो गाना अच्छा गाते हो आपको मोबाइल्स की बहुत अच्छी नॉलेज है आपने कुछ कुछ इंटर्नशिप्स कर रखी हैं जिनके बारे में आप चाहते हो बात करना आप अपने एम के सपने के बारे में बात करना चाहते हो अपनी ग्रेजुएशन के बारे में बात करना चाहते हो आप अपने बचपन के बारे में बात करना चाहते हो आप अपनी सबसे बड़ी पर्सनैलिटी के बारे में बात करना चाहते हो अपनी सबसे बड़ी मोटिवेशन के बारे में अपनी आपका जो आइडल है उसके बारे में बात करना चाहते हो एनी थिंग एंड एवरी थिंग द द स्काई इज़ ओपन ट यू कैन लिस्ट एवरी डैम थिंग जो आपको लगेगी यार इसके बारे में कोई मुझसे बात करे ना तो मैं बताऊँगी मैं क्या हूँ उसको आप यहाँ पर इंक्लूड करो वंस यू हैव मेड दिस लिस्ट उसके बाद आपको क्या करना है उसके बाद आपको इस लिस्ट के एलिमेंट्स को ऑर्डर ऑर्डर में लगाना है एक एक डिसेंडिंग ऑर्डर में डिसेंडिंग ऑर्डर का क्या मतलब है सबसे पहले होगी आपकी ए लिस्ट या फिर ए कैटेगरी ए कैटेगरी का मतलब क्या है ए कैटेगरी में वो चीज़ें आएंगी जिनके बारे में आप ज़बरदस्त जानते हो मतलब जो आपकी यू है जो वो वाली चीज़ें हैं कि इसके बारे में अगर किसी ने मुझसे बात करी ना ओ हो मतलब मजा आ जाएगा ये वो चीज़ें हैं जिनके बारे में कमरे में आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता ये वो चीज़ें हैं असेंशली जो आपकी पर्सनैलिटी या आपकी रियलिटी को डिफ़ाइन करती हैं ये वो चीज़ें हैं जो आप काफ़ी सालों से करते आ रहे हो या तो वो चीज़ें हैं जिनको लेके आप बहुत पैशनेट हो जैसे मैं अगर अपने बारे में बात करूं कौन कौन सी चीज़ें हैं जो मेरी ए कैटेगरी में आएंगी सबसे पहले तो वही जो मैं काम करता हूं अब टीचिंग मैं काफ़ी टाइम से करता आ रहा हूं तो दिस इज समथिंग दैट आई नो मुझे इसके बारे में अच्छी खासी नॉलेज है मैं जो सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ जिस एग्जाम के लिए पढ़ाता हूँ वो सब देन द सेकेंड थिंग दैट कम्स टू माई माइंड इज स्टॉक मार्केट सो आई हैव बीन अ स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर आई एम अ फंडामेंटल एनलिस्ट और काफ़ी सालों से करता आ रहा हूँ विद विद अ विदेक्शन विद अ सक्सेस रेट दैट आई एम प्राउड ऑफ एंड द थर्ड थिंग अगर आप मुझे जानते हो तो आप मुझे आप इसके बारे में ज़रूर जानते हो गए इज़ ट्रैवल सो ट्रैवलिंग इज़ वॉट आई अर्न फॉर इनफैक्ट वेन आई एम नॉट टीचिंग आई एम आई दर ट्रैवलिंग और आई एम प्लानिंग माई ट्रैवल दैट इज़ वॉट आई डू सो इवन एज आई स्पीक क्लास से पहले मैं अपनी इस महीने की जैसलमेर ट्रिप प्रिपेयर कर रहा था उसके बाद फेबररी एंड में थाईलैंड की ट्रिप के बारे में सोच रहा हूँ तो दैट इज़ वॉट आई कीप डूइंग दैट इज़ ऑन माई माइंड ऑलमोस्ट ऑल द टाइम अब ये तीन ऐसी चीज़ें हैं जो मैं अपनी ए कैटेगरी में गिनता हूँ मतलब इनके बारे में, में मेरा मानना है कि अगर बात होगी तो बस इट इज़ वेरी अनलाइकली कि सामने वाला मुझसे ज़्यादा जानता होगा या सामने वाला मुझसे बहुत ज़्यादा जानता होगा अगर मुझसे ज़्यादा भी जानता होगा तो वो भी एक्नॉलेज करेगा कि हाँ चल इसको भी पता है फिर बी कैटेगरी पे आ जाते हैं बी कैटेगरी क्या होती है बी कैटेगरी होती है वो चीज़ें जिनके बारे में मुझे पता है अच्छा पता है बट ऐसा इन डेप्थ वाला नहीं पता मतलब ऐसा नहीं पता कि मैं बोल पाऊँ कि इसके बारे में तो बात हो जाए ना तो आग लगा दूँगा अब अगेन अगर मैं अपने बारे में बात करूँ तो स्विमिंग इज़ वन थिंग दैट आई वुड इंक्लूड मैंने स्टेट लेवल पे स्विमिंग करी है थोड़ा बहुत राइटिंग करता हूँ मेरा एक ब्लॉग भी है इनफैक्ट जिसमें मैं आर्टिकल्स लिखता हूँ आप में से काफ़ी लोगों ने शायद पढ़ा भी हो फिर थोड़ा बहुत मैं पॉलिटिक्स को फॉलो करता हूँ वो भी इंडियन पॉलिटिक्स को ठीक तो इनके बारे में थोड़ी मैं बात कर सकता हूँ सी कैटेगरी क्या होती है दोस्तों सी कैटेगरी वो होती है जिसके बारे में मुझे थोड़ा बहुत पता है मतलब मैं इसके बारे में बहुत ज़्यादा तो नहीं जानता थोड़ा बहुत जानता हूँ इतना जानता हूँ कि थोड़ी बहुत बात कर सकता हूँ और थोड़ी बहुत बात करूँगा तो थोड़ा बहुत ही पता है ज़्यादा तो नहीं पता थोड़ा बहुत पता है और थोड़ी बहुत बात कर सकता हूँ तो मेरे लिए इसमें क्या आता है शायरी आ जाती है थोड़ी सी थोड़ी बहुत शायरी सुन लेते हैं कभी कभार थोड़ा हिस्ट्री पढ़ लेते हैं थोड़ा चेस खेलना अच्छा लगता है ठीक है कोई एक और चीज़ अगर आप बोलोगी नहीं सर कुछ एक और चीज़ डालो दस्त तो कर दो इस लिस्ट में ठीक है और कुछ नहीं मन में आ रहा आएगा तो कुछ डाल देंगे फिलहाल तो नहीं आ रहा तो अब मैंने इस तरीके से अपनी एक लिस्ट बना ली राइट तो जैसे गजनी में बोलते हैं ना लिस्ट बनाओ रे लिस्ट बनाओ तो लिस्ट बना ली मैंने अब मैं क्या करने वाला हूँ ध्यान से देखो मुझसे जब कोई पूछेगा ना इंट्रोड्यूस योर सेल्फ मैं क्या करूँगा ये जो मेरे पॉजिटिव साइड वाली लिस्ट है ना इसी को मैं बंडल करके इसी को रैप करके इसी को मैं एक पैसेज बना के सामने वाले को दे दूँगा ठीक है जैसे देखो ऑब्जर्व करो मुझे हाउ आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ तो इमेजिन कि आपने पूछा आपने मुझे पूछा मिस्टर लोकेश शर्मा प्लीज़ इंट्रोड्यूस योर सेल्फ आई हैव बीन वर्किंग एज अ वी ए आर सी एजुकेटर एज अ कैट एजुकेटर असेंशियली इट्स बीन ओवर थर्टीन इयर्स नाउ एंड आईव वर्क विद सम ऑफ द लीडिंग ब्रांड्स इन इंडिया इट्स बीन अ वेरी फ्रूटफुल जर्नी वेर हैव टॉट थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट्स एंड इन फैक्ट अराउंड अ लैक नाउ थाउजेंडस ऑफ होम वेंट वॉन्ट टू जॉइन टॉप बी स्कूल्स इन इंडिया एंड अब्रॉड Apart from teaching the subject VARC, which is verbal ability and reading comprehension, I also train students on the second stage of preparation, which is group discussion, personal interview, uh, written ability test. Along with that, I also, I also train students on certain uh, specific subjects like decision making, as well as uh, knowledge about uh, finance and economic affairs apart from my full-time job i'm also big time into stock market investment i am a fundamental analyst i spend a lot of time uh, researching about upcoming stocks i, I read uh, balance sheet of companies quarterly results i try to analyze them i am still learning on that i have uh, I, I follow certain people methodology of certain people particularly dr vijay malik and i try to implement that in stock selection and then analysis of those stocks again it's been a very financially as well as intellectually rewarding journey i would say my passion remains travel sir i love to travel whenever i find time and whenever i can fit in a travel a trip i always do that i have traveled all across india in fact if you name any particular place that comes at the top of my top of your mind uh, any particular tourist place it's this 90% chance that i would have been to that place also i can tell you places uh, within india that many people wouldn't even have heard of so uh, even in fact uh, outside of india i have been to some countries and uh, some of the people living in those countries would not know of some amazing places that i have been to there i intend to continue travel till the time i die in fact uh, travel is pretty much uh, where i spend most of my money and time when i have some free time i like to i enjoy swimming in fact i'm usually the first person to jump into water i uh, i in fact used to uh, swim uh, i used to compete in state level competitions during school days I also enjoy writing. I like the idea of penning my thoughts and expressing myself through words. In fact, I have a blog that I actively maintain, though lately I've been writing only uh, content for students for CAT aspirants, but yet it is something that that uh, stimulates me mentally whenever I have time for it. I like to follow Indian politics because I believe whatever happens in the parliament and whatever happens in politics affects us all equally and to a great extent. And I also see it as a sort of uh, citizen responsibility. And uh, politics is a lot more interesting than a lot, lot of people would admit it to be. Uh, sometimes, occasionally, I like to listen to some shairi. I am particularly a fan of uh, Muradabadi. आई लाइक टू रीड अप ऑन हिस्ट्री पर्टिक्युलरली वॉर्स एंड किंगडम्स एंड समाइम्स आई ओकेजनली आई एन्जॉय प्लेइंग चेस एज वेल अब ये मेरा इंट्रोडक्शन था आप इसको टाइम करना आप यूट्यूब पीछे करके देखना तो मेरा मानना है कि मेरा इंट्रोडक्शन करीब तीन मिनट के आसपास रहा होगा यस yes, अब अगर मैंने इसको टाइम नहीं किया तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है बट देट इज़ वॉट इट इट वुड हैव बीन एंड दैट इज़ वॉट योर इंट्रोडक्शन शुड बी एट इट मैक्स बट योर इंट्रोडक्शन मस्ट बी एट लीस्ट टू टू थ्री मिनट इफ़ यू आर गिवन अ फ्री रन इफ यू आर गिवन टाइम इफ यू आर नॉट गिवन एनी टाइम लिमिटेशन दिस इज हाउ मच योर इंट्रोडक्शन शुड लास्ट अब आप में से काफ़ी लोग बोलेंगे सर आपने तो सर कितना कुछ किया आप तो बोल लोगे तीन मिनट हम सर क्या बोलेंगे मेरा जीवन क्या है सर एक तिनके की तुच्छ कहानी ऐसा नहीं है आपने बहुत कुछ किया है जीवन में जस्ट दैट आपको लगता है कि वो इंटरव्यू में बताने लायक नहीं है अदरवाइज़ आप सब लोग अगर बैठ के तबीयत से सोचो कि मैंने क्या क्या किया है क्या क्या मुझे थोड़ा बहुत पता है चीज़ों के बारे में यू विल हैव सफिशियंट नंबर ऑफ थिंग्स एंड देन एलैबोरेट ऑन दैम आप एक चीज़ नोट करो यहाँ पे आपको नाइन आइटम्स दिखाई दे रहे हैं क्या मैंने सबके बारे में इक्वल बोला है वुड यू से द टाइम आई हैव स्पेंट ऑन ईच ऑफ दिस आइटम्स इज़ इक्वल नहीं यू वुड फाइंड कि मैंने ए कैटेगरी के आइटम्स पे काफ़ी बोला इनफैक्ट आप शायद uh, मानोगे कि मैंने इनके बारे में हर आइटम के बारे में एक पेज बोला होगा मैंने बी कैटेगरी के हर आइटम के बारे में एक पैराग्राफ बोला होगा और सी कैटेगरी के हर आइटम के बारे में मैंने शायद एक लाइन बोली होगी ठीक है अगर आप इस तीन मिनट की एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस करोगे तो आप पाओगे कि तीन मिनट में से लगभग दो मिनट मैंने यहाँ खर्च किया होगा यस yes. उसके बाद मैंने कुछ चालीस पैंतालीस सेकेंड यहाँ खर्च किए होंगे तो मे बी फोर्टी फोर्टी और सेकेंड्स और बचा हुआ जो मेरे बीस मिनट बीस सेकंड थे वो मैंने यहाँ खर्च किए होंगे अब ऐसा मैंने जानबूझ के किया और यही रीज़न था कि मैंने शुरुआत में एक हिरार बना ली थी मैंने शुरुआत में जो जो मेरे पॉजिटिव है उनको मैंने एक ऑर्डर में लेके आया और उनको ऑर्डर में जब मैं लाया तो उसका पर्पस ये था कि जो मेरी टॉप चीज़ें हैं ना जो मेरे ए कैटेगरी है उस पर मुझे सबसे ज़्यादा ध्यान दे रहा है बिकॉज दिस इज़ वॉट विल गेट मी सेलेक्टेड दिस इज़ दीज आर द एरियाज दीज आर द एरियाज जिनके बारे में अगर बात हो जाए ना तो मेरा इंटरव्यू रॉक कर जाएगा एकदम इसीलिए मैंने इनके बारे में ज़्यादा बात की सोचो सामने वाले के मन में कौन सी चीज़ स्ट्राइक करेगी सामने वाला पैनल किस चीज़ के बारे में पूछेगा मुझे नहीं पता अब उसका मन करे कुछ भी बात करे बट मैं ये बात जानता हूँ ना कि जो चीज़ मैं उसको ज़्यादा देर तक सुनाऊंगा वो चीज़ उसका पूछने का चांस ज़्यादा है सोचो एक गायें हैं आपके सामने और आपके सामने अलग अलग तरह का चारा है आपने एक चारा उठाया गाय को दिया ली 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 जैसे ही मैं उठा के देता हूँ ये ली 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 ये भी नहीं लिया अच्छा अब मुझे नहीं पता कि ये जो गायें हैं ये कौन से वाले चारे को पकड़ेगी किसको दबोचेगी बट अगर मैं कोई एक पर्टिकुलर चारा ज़्यादा देर तक इसके मुँह के आगे रखूँगा तो चांसेज ऑफ द काउ ग्रैबिंग इट इंक्रीज राइट तो मैं वही कर रहा हूँ जो चीज़ मेरी ज़्यादा बड़ी यूएसपी है जो चीज़ मेरी ज़्यादा बड़ा फोटे है मैं कोशिश करूँगा कि उसको ज़्यादा देर तक पैनल के के आगे रखूँ सो दैट इट टेक्स द बाइट एक और रीज़न है कि मैंने ए कैटेगरी के बारे में ज़्यादा बात करी सोचो पैनल क्या ज़रूरी है कि मुझे तीन मिनट तक बोलने देगा नहीं हो सकता है पैनल मुझे दो मिनट में ही कट शॉर्ट कर दे दो मिनट के बाद बोले अच्छा ओके यू मेंशन दैट यू आर इनटू स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट्स और कुछ बात करने लग जाए तो सोचो अगर मैं इन चीज़ों के बारे में सी कैटेगरी के बारे में पहले बात कर रहा होता मैंने मान लो अभी छोटी मोटी कुछ चीज़ें बोली हैं और पैनल ने उसके बारे में बात शुरू कर दी नाउ दिस इज़ आई नो समथिंग अबाउट दिस बट दिस इज़ नॉट माई बेस्ट राइट मेरा बेस्ट कहाँ पे है मेरा बेस्ट तो यहाँ पे है तो मुझे अपना बेस्ट पहले निकालना है कि अगर पैनल मुझसे बीच में भी मुझे कट शॉर्ट कर दे तो आई हैव ऑलरेडी गिवन माय बेस्ट सोचो दो मिनट क्या पैनल ने मुझे एक मिनट में ही रोक दिया अगर पैनल ने मुझे एक मिनट में भी रोक दिया तो मैंने टीचिंग पूरा कर लिया होगा और थोड़ा बहुत स्टॉक मार्केट की शुरुआत की होगी मतलब मैंने डेढ़ बात की होगी अगर पैनल ने मुझे चालीस सेकेंड में ही रोक दिया तो सोचो मैंने तो बताया ही वही था अभी तक जो मेरा एप्सोल्यूट बेस्ट है अब समझ में आया कि हमने इसको एक ऑर्डर में क्यों लेके आए बिकॉज वी नीड टू गेट द बेस्ट आउट फर्स्ट जो मेरा बेस्ट है मुझे वो पहले निकालना है क्योंकि मुझे पता है कि पैनल कहीं पे भी मुझे रोक सकता है और उसके बारे में बात करेगा तो मैं अब देखो अगर पैनल ने नहीं भी रोका तो पहले तो ये देख लो कि आपका इंट्रोडक्शन दो से तीन मिनट का कम से कम होना चाहिए लिखना शुरू करो अपना इंट्रोडक्शन और उसके बाद जब आप लिख लो पहला ड्राफ्ट अगेन आपको इस इंट्रोडक्शन के ड्राफ्ट आपके मल्टीपल ड्राफ्ट बनेंगे आप एक इंट्रोडक्शन लिखोगे उसमें फिर आप उसको एक बार बोलोगे शीशे के आगे फिर आप सोचोगे कि यार इसमें से कौन सी चीज़ है जो जिसको मैं डिफेंड नहीं कर पाऊंगा या कौन सी चीज़ है जो अभी तक मैंने नहीं डाली या आपको लगेगा कि यार इसको बी नहीं इसको सी कैटेगरी में होना चाहिए इसको ए कैटेगरी में होना चाहिए तो ये री एडजस्टमेंट आपकी चलती रहेगी ठीक है और आप और चीज़ें ऐड करोगे कुछ यार नहीं यार ये वाली लाइन सही नहीं जा रही तो आपके मल्टीपल ड्राफ्ट्स बनेंगे उसको आप एडिट एंड री एडिट करोगे बट जब आप पहला ड्राफ्ट बना लो ना तो उसको एक बार रिकॉर्ड करना कि वो कितनी देर तक लास्ट कर रहा है काफ़ी लोगों का सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि उनका इंट्रोडक्शन होता है तीस चालीस सेकेंड का अब समझो अगर आपसे किसी टॉपिक पे बोलने को कहा जाए कि भाई आप यूक्रेन रशिया वॉर पे बोल दीजिए या क्लाइमेट चेंज पे बोल दीजिए या आप एआई किस तरीके से एम्प्लॉयमेंट को डिसरप्ट कर रहा है उस पे बोल दीजिए तो ठीक है आप कह सकते हो कि भाई इसके ऊपर दो मिनट क्या बोले इतना तो पता ही नहीं है तीस सेकंड बोल देंगे एक मिनट बोल देंगे बट यहाँ पे तो आपको अपने बारे में बोलने को कहा जा रहा है ना आपसे कोई ये थोड़ी बोल रहा है कि आप इस इस उस पर्टिकुलर इशू के ऊपर अपनी नॉलेज अपना अपना अपना, अपना ज्ञान का बखान करो यूर यू हैव टू टॉक अबाउट योर यार इमेजिन आफ्टर ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री ऑफ योर लाइफ अगर आप अपने बारे में दो मिनट नहीं बात कर सकते अब क्या फिर आपसे एक्सपेक्ट कीजिए अपने बारे में भाई आपके बारे में अपने बारे में दो मिनट बात करने को बोल रहा है अगर आप ये नहीं कर सकते तो फिर आपसे क्या एक्सपेक्ट करेंगे सो यू योर इंट्रोडक्शन हैज़ टू लास्ट टू टू थ्री मिनट्स ठीक है अच्छा अब ये जो हमारा इंट्रोडक्शन होगा इससे पैनल इसमें से क्या पूछेगा ट्रूथ बी टोल्ड किसी को नहीं पता पैनल आपसे कुछ भी पूछ सकता है क्या पैनल मेरी मेरे जॉब के बारे में पूछ सकता है कि कहाँ जॉब करते हो क्या करते हो क्या सीखा बिल्कुल पूछ सकता है क्या पैनल मेरे हॉबी के बारे में पूछ सकता है जो मैंने बी कैटेगरी में बिल्कुल पूछ सकता है क्या चांसेस है सर पैनल क्या पूछेगा चांसेस आर दैट पैनल विल आस्क यू समथिंग दैट इज़ इंटरेस्टिंग टू द पैनल अब ये एक अगेन चीज है जो मैंने अपनी ऑब्जर्वेशन के थ्रू नोट की जब मैं इंटरव्यूज वगैरह स्टूडेंट्स के हो जाते हैं टॉप बी स्कूल में और उनसे पूछता हूँ कि उन्होंने क्या क्या पूछा आपसे और ये सारे इंटरव्यूज़ अवेलेबल हैं यूट्यूब चैनल पर मैंने लास्ट ईयर भी लिए थे तो एक चीज़ मैंने रियलाइज करी दैट पैनल आस्क थिंग्स विच इट फाइन्स इंटरेस्टिंग और ये बहुत ह्यूमन है ना यार बहुत नेचुरल नहीं है अगर आप पूरे दिन बैठ के इंटरव्यू ले रहे हो सब बता रहे हैं मेरी हॉबी है जी क्रिकेट है ये है एक बंदा आके बोला जिसने मेरी हॉबी है मंडाला आर्ट किसी ने आके बोल दिया कि सर मैंने फैशन uh, टेक्नोलॉजी में uh, मेरी ग्रेजुएशन करी है सो एनी थिंग इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर्स दैट विल ऑब्वियसली कैच द अटेंशन ऑफ द अदर पर्सन राइट उसके बारे में बात करेगा बंदा क्या इसका मतलब ये है कि मुझे अपने आंसर में कुछ अजीब कुछ अलग लेके आना चाहिए मैं कुछ ऐसा बोलूँ यूनिक ही बोल दूँ मैं काम करता हूँ हॉबी बिल्ड कर लेता हूँ कि मैं आ, क्या करता हूँ मैं आ, प्लास्टिक को जोड़ के उससे रोबो बनाता हूँ क्या बात है प्लास्टिक में कूड़ा इकट्ठा करके उसका रोबो बनाता हूँ नहीं आप ये बोल दोगे उससे वो सवाल तो पूछेंगे इंटरेस्टिंग है बहुत बट फिर जवाब भी तो आना चाहिए ना तो आपको मैं ये नहीं बोल रहा कि कुछ अपने बारे में फर्जी बिल्ड करो आप कुछ नई हॉबी अपने बारे में बिल्ड करो नहीं आपको वही चीज़ें बतानी है जो एक्चुअली में आप ऑलरेडी जानते हो क्योंकि नया बिल्ड करने का टाइम नहीं है अपने पास बट हाँ उस नई चीज़ को आप प्रेजेंट कैसे करते हो आपके हाथ में एक छोटा सा आपको उसका डेमोन्स्ट्रेशन देता हूँ एक मेरे स्टूडेंट का डेमो इंट्रोडक्शन uh, कुछ ऐसा था कि सर uh, माई नाम सर हेलो सर माई नेम इज़ अमरनाथ बट माई फ्रेंड्स कॉल मी गोपीनाथ बिकॉज ऑफ माई लव फॉर बैडमिंटन आप सोच के देखो इसने शुरुआत कैसे करी कि मेरा नाम अमरनाथ है बट मेरे दोस्त मुझे गोपीनाथ बोलते हैं आपको पता होगा ना सॉरी uh, गोपीनाथ oh, नहीं गोपी चंद आई एम सो सॉरी पी गोपीचंद या आप पादुकोण लगा लो कुछ ऐसा लगा लो आप या एक टू टेक एन एग्जाम्पल दैट यू कैन परहैप्स रिलेट कि सर माई नेम इज़ वरुण बट माई फ्रेंड्स कॉल मी विराट बिकॉज ऑफ माई लव फॉर क्रिकेट तो दिस इज़ अ वे टू वे टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ अलॉन्ग विद टेलिंग द पर्सन की इसके बारे में बात कर मुझसे यस सिमिलरली अगर uh, कोई लेथ से आप एरोनाटिकल इंजीनियर हो या लेथ से आप मैकेनिकल इंजीनियर हो तो आप यूं शुरुआत कर सकते हो कि सर माई नेम इज दिस 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 कुछ बात करके यू कैन यू कैन कम अप विद सम दिस पॉइंट कि sir one thing that has fascinated one, one thing that fascinates me the most in this world is how things move in fact even in this room when i see that watch moving behind you or when i see that when i see that uh, the the uh, let's say the heater in the room and the moving particles of it that fascinates me and it is this fascination with moving parts that led me to taking up mechanical engineering as my graduation so this is how you can make your introduction interesting right Particularly the beginning of your introduction, avoid beginning with the beginning the introduction with your with your name jaisa main abhi tak kar raha tha They already have your name and your introduction would there is no worse way to begin your introduction. अगर आपके panel ने बोला हो कि वरुण tell me something about yourself. Uh, sir my name is वरुण खुराना. अरे यार मैं बोल ही रहा हूँ कि वरुण tell me something about yourself. और आप बोल रहे हो my name is वरुण खुराना. ये वो वाली बात होगी ना कि बसंती तुम्हारा नाम क्या है? अरे भाई सामने वाले ने नाम ले दिया आपका अब आप सीधा शुरुआत करो जैसे मैंने अभी जब अपना इंट्रोडक्शन लिया था तो मैंने सीधा हैव टीचिंग वहीं से शुरुआत किया तो अवॉइड बिगनिंग विद योर नेम ठीक है आपके नाम है उनके पास अच्छा अपने नाम का मतलब जरूर पता होना चाहिए आपको अनदर डिजास्टर दैट कैन हैपन इन योर इंट्रोडक्शन क्वेश्चन इज कि आपसे पूछा कि यार आपके नाम का मतलब क्या है स्पेशली अगर आपका कुछ अलग नाम है जैसे यहाँ पे मैं एक नाम दे रहा हूँ सारू अब पता नहीं इनका सच में नाम है कि इन्होंने यहाँ पे रखा हुआ है स्टडी शॉर्ट्स का नाम तो स्टडी शॉर्ट्स नहीं ही होगा फॉर श्योर sure. uh, इसी तरीके से और अगर मैं पीछे जाके देखूँ तो कोई ऐसा नाम है जो थोड़ा अलग हो मतलब एक ऐसा नाम जो सुन के सामने वाले के पूछने का मन करे कि इसका मतलब क्या होता है जैसे अमीज़ अब मुझे अमीज का मतलब नहीं पता आई एम श्योर अमीज़ का कुछ मीनिंग होगा राइट right? या और पीछे जाऊँ ऊँचे पीछे जाऊँ अब यहाँ पे सारे नाम ऐसे हैं पूजा निखिल अब प्रथमेश अब ये प्रथमेश क्या होता है मुझे ऑनेस्टली नहीं पता कि प्रथमेश का मतलब क्या है तो मेक श्योर दैट यू डोंट जस्ट नो द मीनिंग ऑफ योर नेम यू नो द हिस्ट्री ऑफ दिस वर्ड अब जैसे मेरा नाम लोकेश है अब लोकेश का क्या मतलब होता है लोक प्लस ईश दुनिया का भगवान ब्रह्मा जी का नाम है वैसे है ना इसी तरीके से आपके भी नाम का कुछ ना कुछ तो कुछ ना कुछ तो मीनिंग होगा राइट तो उसका मीनिंग या फिर वो नाम कैसे रखा गया या उसके पीछे अगर कोई हिस्ट्री अगर कोई वो फ्रेंच जर्मन संस्कृत वर्ड है याद रखना कि अपने नाम का सिर्फ मीनिंग नहीं पता हो बढ़िया आंसर प्रिपेयर करो इसका मैंने क्या बोला था अगर आपको पता है कि ये वाला क्वेश्चन तो एग्जाम में आने वाला है तो उसका ऐसा आंसर प्रिपेयर करो ना कि धमाकेदार आंसर हो जाए राइट सो दिस इज दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू प्रिपेयर द आंसर टू दिस क्वेश्चन अब दूसरे पार्ट पे आते हैं मैंने आपको क्या बोला था कि पेज को दो पार्ट में डिवाइड करना है एक पार्ट में तो आपने पॉजिटिव चीज़ें डाल दी वो सारी चीज़ें जिनके बारे में बात करनी है नाउ वॉट अबाउट दिस अदर साइड ये नेगेटिव वाले में क्या डालना है खुद भी आप सोच सकते हो यहाँ पे आपको वो सारी चीज़ें डालनी है जिसके बारे में आप बात नहीं करना चाहते यहाँ पे आपको वो सारी चीज़ें डालनी है जिनके बारे में अगर बात हो गई तो आपकी लस्सी हो जाएगी अब अगेन ये आ, क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होंगी मैं अपने बारे में बात करता हूँ तो मुझे अपनी ग्रेजुएशन के बारे में बिल्कुल बात नहीं करनी ठीक है ना मुझे कुछ याद है ना मैंने कुछ पढ़ा था ज़्यादा ना मैं कुछ जवाब दे पाऊँगा अब आपने से काफ़ी लोग ना कंपेल्ड फील करते हैं कि सर मुझे अपने इंट्रोडक्शन में ग्रेजुएशन तो इंक्लूड करनी पड़ेगी किसने बोला मैंने शुरुआत में आपको बताया देर इज़ नथिंग दैट यू

ठीक बट आपको अपनी ग्रेजुएशन को इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है अगर आप उसके बारे में बात नहीं करना चाहते ऑन दी अदर हैंड अगर आप चाहते हो कि आपकी ग्रेजुएशन के बारे में बात हो एब्सोलूटली इंक्लूडेड बिल्कुल इंक्लूड करिए अगर आप चाहते हैं उसके बारे में बात हो ओके okay. मैं अपने बारे में बात कर रहा हूँ तो मैं ग्रेजुएशन के बारे में नहीं बात करना चाहता मैं कुकिंग के बारे में बिल्कुल कुछ नहीं जानता पानी गर्म करना आता है मेरे को सिर्फ और कुछ नहीं आता आर्ट्स के बारे में मेरी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कल्चर के बारे में मेरी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी पुअर है मैं फ़िलासफ़ी uh, के बारे में बात करने में कम्फर्टेबल नहीं हो पाता ज़्यादा पता भी नहीं है साइकोलॉजी बिल्कुल हवा नहीं है मुझे एंड आई एम श्योर कि हम सब लोगों के पास ऐसी बहुत सारी लिस्ट होगी यस yes? अब मैंने पांच सात चीज़ें लिखी आप लोग बोलोगे सर यहाँ पे तो मेरे पास बहुत कुछ है मेरे पास पॉजिटिव साइड में ज़्यादा नहीं है नेगेटिव साइड में तो सर मेरा मतलब मेरे को पेज पूरा भर गया अब ये लिस्ट हम क्यों बना रहे हैं इसका पर्पज़ क्या है पहला ये लिस्ट हम इसलिए बना रहे हैं दोस्तों क्योंकि ये हमारी बहुत तगड़ी वाली ब्लैक लिस्ट है इनफैक्ट ये हमारी डेंजर लिस्ट है ठीक है हम ये इसलिए बना रहे हैं कि हमको गलती से भी अपने आंसर में इसमें से कुछ भी इंक्लूड नहीं करना हम अपना इंट्रोडक्शन लिखने के बाद चेक करेंगे कि यार इसमें से तो कुछ नहीं आ गया था ना कहीं क्योंकि अगर इसमें से कुछ भी आ गया मेरे इंट्रोडक्शन में तो मेरे लिए वो मौत की घंटी है राइट दूसरा सिर्फ इंट्रोडक्शन में तो इंक्लूड नहीं करूँगा मेरे किसी आंसर में भी नहीं होना चाहिए तो लेट्स से अगर मुझसे कोई सवाल पूछा गया है लेट्स से व्हाट डू यू ओके व्हाट आर योर व्यूज़ अबाउट इंडियाज़ ग्रोथ स्टोरी सो वाइल यू टॉक अबाउट इंडियाज़ ग्रोथ स्टोरी मेक श्योर आप इनमें से किसी चीज़ के बारे में बात ना करो ठीक अब चलो सर मैं तो इनके बारे में बात नहीं करूंगा मुझे समझ में आ गया क्योंकि मैंने बैक ऑफ द माइंड मुझे पता है कि ये मेरी डेंजर लिस्ट है इसमें यहाँ इस तरफ मुझे जाना ही नहीं है व्हाट इफ़ द पैनल ब्रिंग्स अप दीज इश्यूज वट इफ द पैनल आस्क यू चलो जैसे मैं अपने बारे में बात करूँ मुझे किसी स्पोर्ट्स के बारे में कुछ नहीं पता होता ठीक है सो so, सारे के सारे स्पोर्ट्स मेरे लिए यहाँ पे आ गए चेस को छोड़ के तो अब मैं वट डू वट डू आई डू इफ द पैनल आस्क मी ओके लोकेश यू नो रिसेंटली दे वॉज क्रिकेट वर्ल्ड कप दैट टूक प्लेस आई एम श्योर यू वुड हैव फॉलोड इट अब मुझे वो जो सवाल पूछ रहे हैं क्रिकेट वर्ल्ड कप के बारे में मुझे नहीं पता क्या करूँ पहले तो कुछ भी बोल दूँ रैंडम जवाब दे दूँ ही मार दूँ नहीं तो याद रखो दोस्तों यू नीड टू बी ऑनेस्ट यू नीड टू बी स्ट्रेट फॉरवर्ड इन द इंटरव्यू आपको सीधी सीधी बात करनी है अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता तो फर्स्ट थिंग दैट शुड कम आउट योर माउथ इज एक्सेप्ट फर्स्ट थिंग घुमाओ मत बात को गोल मोल मत करो अगर आपसे कोई भी सवाल पूछा गया आपको जवाब नहीं आता द ओनली करेक्ट आंसर इज एक्सेप्ट दैट यू डू नॉट नो हाँ कैसे एक्सेप्ट करना है तमीज से एक्सेप्ट करना है क्लियरली एक्सेप्ट करना है ये नहीं कि कुछ मुंह से निकला ही नहीं सवाल पूछा आपको जवाब नहीं आता ये नहीं करना भाई ये क्या होता है सवाल पूछा जवाब नहीं आता ये कंधे उचका दिए आपने ये क्या है जवाब नहीं आता ये क्या है तो आपको अपने चेहरे से अपनी बॉडी लैंग्वेज से जवाब नहीं देना जब भी आपको सवाल का जवाब नहीं आता यू हैव टू आंसर इट इन क्लियर अनइक वोकल टर्म्स सवाल पूछा गया सॉरी सर आई डो नॉट नो टू दिस क्वेश्चन आई एम अनएबल टू रिकॉल द क्वेश्चन द आंसर टू दिस क्वेश्चन राइट नाउ आई हैड रेड अबाउट इट सर बट इट्स इट्स नॉट क्लिकिंग राइट नाउ ऐसे सीधा आपको जवाब देना है कोई इसमें आपको डाउट नहीं होना चाहिए नो no. अब हाँ ये जरूर है कि जवाब ये जब आप बोल रहे हो कि मुझे नहीं पता तो एक थोड़ी सेंस एक चेहरे पे एक टिंज ऑफ एम्बेरसमेंट होनी चाहिए टिंज ऑफ एम्बेसमेंट कैसी होती है सॉरी सर आई डो नॉट नो दी आंसर मतलब एक एक आपकी आवाज़ में आपके चेहरे पे होना चाहिए कि मैं आई एम एम्बेरस मुझे इसका जवाब नहीं आता ठीक मैं ये नहीं कि सवाल पूछा नहीं आता <laughs> दूसरा सवाल ये भी नहीं आता <laughs> ऐसे नहीं करना होता ऑफकोर्स बट डोंट स्टॉप देयर ज्यादातर लोग गलती क्या करते हैं ज्यादातर लोग ये जरूर बताते हैं कि इस सवाल का जवाब आपको नहीं आता बट वो वहीं पर रुक जाते हैं उसके आगे नहीं बताते कुछ My दिस इज here, दिस इज वेयर my लोकेशन ट्रिक दिस इज वेयर where सजेशन कम्स comes into पिक्चर Whenever a अ क्वेश्चन इज आज जिसका आंसर आपको नहीं आता आप पहले तो यही बताओ कि मुझे इसका जवाब नहीं आता बट डोंट एंड देर टेल दैम वट यू डू नो मतलब जब भी आपका इंटरव्यू राइट साइड जा रहा है या हमारी राइट साइड है ना आप अपनी इंटरव्यू के आप यूं समझो कि आप गाड़ी चला रहे हो ठीक है यू आर ड्राइविंग आपको एज अ ड्राइवर गाड़ी किस तरफ रखनी है तो आपको इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि आपको थ्रू आउट द इंटरव्यू गाड़ी इस तरफ रखनी है ये आ, मैं अभी बना नहीं पा रहा हूँ यहाँ पर ठीक से बट हमको थ्रू आउट इंटरव्यू गाड़ी यहाँ रखनी है पॉजिटिव वाली साइड अच्छा अगर मेरी गाड़ी नेगेटिव वाली साइड जाए लत से मेरी गाड़ी थोड़ी थोड़ी इधर को जा रही है तो क्या करना है पहले तो घंटी बजनी चाहिए मेरे घर मेरे मन में एक अलार्म बेल बजनी चाहिए कि यार तो गलत साइड जा रही है अब मुझे क्या करना है जब भी गाड़ी नेगेटिव साइड पे जाएगी ना तो मुझे उसको घुमा के पॉजिटिव साइड पर लेके आना है अब घुमा के पॉजिटिव साइड पर कैसे लेके आऊँगा देखो उन्होंने मुझसे पूछा सो लोकेश रिसेंटली द क्रिकेट वर्ल्ड कप कंक्लूडेड एंड यू वुड नो दैट इंडिया लॉस्ट इन द फाइनल्स राइट तो फर्स्ट थिंग इज़ की एक्सेप्ट की नहीं पता सॉरी सर आई डो नॉट नो अबाउट इट ऑनेस्टली सर आई डिड नॉट आई डो नॉट फॉलो मच स्पोर्ट्स द ओनली स्पोर्ट आई हैव एनी इंटरेस्ट इज इज स्विमिंग अपार्ट फ्रॉम दैट आई डोंट फॉलो एनी स्पोर्ट अब आप खुद देखो मैंने क्या किया सबसे पहले मैंने एक्सेप्ट किया कि मुझे नहीं पता इसके बारे में बट मैं वहीं पे रुका नहीं मैं घुमा के उनको उस स्पोर्ट पे ले आया जिसके बारे में जानता हूँ राइट उन्होंने फिर मुझसे पूछा सो लोकेश आई एम श्योर यू वुड नो अबाउट द वॉर दैट इज गोइंग ऑन इन गाजा एंड इजराइल एंड फॉलोड इट क्लोजली ऑनेस्टली सर आई डू नो अबाउट इट बट नॉट मच ऑनेस्टली सर आई डोंट फॉलो अलॉट अबाउट इंटरनेशनल इवेंट्स ऑनेस्टली द मोस्ट ऑफ माय टाइम इज स्पेंड इन फॉलोइंग इंडियन पॉलिटिक्स आप देख रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ मैं बोलता हूँ तो बता देता हूँ कि मुझे इसके बारे में नहीं पता बट आई डोंट एंड देयर मैं वहां से उनको घुमा के राइट साइड पर लाता हूं कि भाई इसके बारे में पता है और वो रेलिवेंट होना चाहिए ऐसा नहीं कि वो आपसे पूछ रहे हैं ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट में आप बता रहे हो कि सर मुझे तो शायरी बहुत पसंद है नहीं आपको उनको घुमा के भी लाना है तो एक रेलेवेंट चीज पे ही लाना है फॉर एग्जांपल अगर आप से आपने अपने ए में तीन चार सब्जेक्ट इंक्लूड किए अच्छा ग्रेजुएशन का मतलब ये नहीं होता पूरी ग्रेजुएशन ना आप अपने मन में स्पेसिफाई कर लोगे कि भाई कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिनके बारे में मुझे पता है ए बी सी डी और कुछ ऐसे भी सब्जेक्ट्स होंगे जिनके बारे में आपको नहीं पता लेट्स से एक्स वाई जेड अब पैनल ने आपसे एक्स के ऊपर सवाल पूछ लिया और आपको एक्स के बारे में कुछ नहीं पता इनफैक्ट ये वो सब्जेक्ट है जो आप छोड़ के गए थे जो आपने कॉलेज में पढ़ा भी नहीं तो पहला तो यही होना चाहिए कि एक्सेप्ट करोगे आई एम सॉरी सर आई डो नॉट नो आंसर टू दिस ऑनेस्टली सर माई फेवरेट सब्जेक्ट्स इन द कॉलेज वर ए बी सी डी या एक्चुअली सर आई वॉज ऑलवेज मोर फैसिनेटेड बाई सब्जेक्ट्स लाइक ए बी सी डी सो एंड मत कर दो सवाल का जवाब नहीं आता टेक देम टू वॉट यू डू नो तो मुझसे अगर कोई कुछ पूछेगा सो लोकेश अ लॉट ऑफ अस आई एम श्योर दैट लॉट ऑफ इट इज इट इज अ न्यू रेज अमंग मेन टू लर्न कुकिंग सो हैव यू ऑल्सो लर्न टू कुक समथिंग रिसेंटली तो फर्स्ट वुड बी आई आई एम एम्बेरस टू से सर दैट आई एम नॉट अ पर्सन हु हैज़ मच यूज इन किचन ऑनेस्टली सर मोस्ट ऑफ द टाइम दैट आई गेट अपार्ट फ्रॉम वर्क आई स्पेंड दैट इन रीडिंग अबाउट डिफरेंट कंपनीज देयर फाइनेंशियल पोजिशनिंग देयर मार्केट लीडरशिप देयर मार्केट शेयर एंड एंड एनालाइजिंग देयर क्वार्टरली रिपोर्ट्स सो फ्रेंकली सर आई एम नॉट लेव विद मच टाइम टू एक्सपेरिमेंट विद कुकिंग कुंगल् आई रियली वुड लाइक टू डू दैट सम टाइम तो अब आप खुद देखो मेरे आंसर में मैंने क्या किया शुरुआत कुकिंग से हुई थी बट मैंने बोला कि सॉरी सर नहीं पता टाइम नहीं मिलता मेरा टाइम तो सारा स्टॉक मार्केट में ही चला जाता है ले आया ना स्टॉक मार्केट पे अब दो चीज़ें हो सकती हैं या तो वो मुझसे स्टॉक मार्केट के बारे में पूछेगा अच्छा स्टॉक मार्केट तो चल फिर ये बता इसमें कैसे करता है इन विच केस मैं सेफली गाड़ी को राइट साइड पर ले आया ना दोबारा से लेफ्ट पे जा रही थी राइट साइड पर ले आया दूसरा हो सकता है कि वो परसिस्ट करे कि नहीं भाई मैं तो कुकिंग के बारे में ही बात करूँगा या मैं तो स्पोर्ट्स के बारे में ही बात करूँगा इन विच केस मेरी कोई मेरी ऑब्लिगेशन नहीं है जवाब देने की भाई मैंने तो आपको पहले ही बोल दिया मुझे उनके बारे में कुछ नहीं आता मैंने तो आपको पहले ही बोल दिया कि मैं स्पोर्ट को फॉलो नहीं करता अब आप इसमें चार क्वेश्चन भी पूछोगे तो मुझे तो नहीं आता ना मैं तो पहले ही बोल चुका हूँ मुझे नहीं पता भाई समझ आ रहा है कि अगर मेरा इंट्रोडक्शन नेगेटिव वाली साइड पे जा रहा है तो कैसे मुझे थ्रू आउट इंटरव्यू कोशिश करनी है कि उसको घुमा के पॉजिटिव साइड पे लेके आऊँ सी असेंशियली दोस्तों कोई भी इंटरव्यू प्रोसेस अपने आप में क्या होता है इट्स अ सेल्स प्रोसेस अगेन आपने मुझसे क्रिटिकल रीजनिंग पढ़ी है तो मैंने आपको बताया था कि आर्ग्यूमेंट क्या होती है एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज एन आर्ग्यूमेंट राइट इंटरव्यू ऑल्सो इज एन आर्ग्यूमेंट असेंशियली आप ये प्रूव करने की कोशिश कर रहे हो कि आई एम गुड इनफ फॉर योर बी स्कूल आई एम गुड इनफ एज अ स्टूडेंट फॉर यू टू ऑफर एडमिशन टू मी है ना अब आप उसको जस्टिफाई करने के लिए उसको प्रूव करने के लिए क्या बताओगे अपना पॉजिटिव ही तो बताओगे मुझे एक बात बताओ एक सेल्समैन कोई प्रोडक्ट बेच रहा है तो वो किस चीज़ को हाईलाइट करेगा एक सेल्स मैन अपने प्रोडक्ट के पॉजिटिव को ही तो हाईलाइट करेगा यही तो करेगा अच्छा डज इट मीन कि उसको अपने प्रोडक्ट के नेगेटिव नहीं पता लेथसे आपके घर में कोई वैक्यूम क्लीनर बेचने के लिए आया और वो वैक्यूम क्लीनर के बारे में डिटेल्ड प्रेजेंटेशन दे रहा है आपको डज इट वो पॉजिटिव बताएगा कि नेगेटिव बताएगा यू कैन बी एब्सोल्युटली श्योर कि ओब्वियसली सर वो तो सारे पॉजिटिव्स ही बताने वाला है अच्छा डज़ इट मीन कि उसके प्रोडक्ट में कुछ नेगेटिव नहीं है कोई कमी नहीं है नहीं बिल्कुल है डज़ इट मीन कि उसको नेगेटिव्स के बारे में नहीं पता उसको तो हंड्रेड परसेंट पता है आपको भले ही पता हो ना ना पता हो आपको शायद यूज करके भी ना पता लगे बट उसको सारे नेगेटिव्स पता है प्रोडक्ट के बारे में इनफैक्ट उसको प्रोडक्ट की एक एक खूबी और एक एक कमी पता है इसीलिए तो वो पॉजिटिव्स के बारे में बात कर रहा है और नेगेटिव पे जा ही नहीं रहा So, understand that product knowledge is the first thing that makes you a good salesperson. Similarly, understanding your own demerits and merits, understanding your own deficiencies and your USP is the first thing that you have to do, hence, this exercise. और वहां पे भी यही होता है कि एक सेल्समैन जो प्रोडक्ट बेच रहा है जैसे ही वो नेगेटिव साइड पे जाने लगेगा क्या करेगा उसको घुमा के पॉजिटिव पे लाएगा अब वो अपने वैक्यूम क्लीनर के बारे में बता रहा है कि जी ऐसे साफ करता है इतना इफेक्टिव है ऐसे मिट्टी खींच लेता है छोटी छोटी मिट्टी खींच लेता है कारपेट तक साफ कर देता है आपने एकदम बोल दिया हाँ पर यह भारी बहुत है तो बोलेगा कि मैम आपको उठाने की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी इसकी एक्सटेंशन कॉर्ड देखो दस मीटर की एक्सटेंशन कॉर्ड है ये देखो यहाँ से लेके वहाँ तक तो कैसे देखो वो नेगेटिव से घुमा के पॉजिटिव पे लाया ना और वो ऐसा इसीलिए कर पाया स्विफ्टली क्योंकि उसको पहले से पता है कि भाई वजन पे बात नहीं जाने देनी अगर बात वैक्यूम क्लीनर के वेट पे आ गई तो वो जानता है कि इस वैक्यूम क्लीनर का वेट एक नेगेटिव है तो जैसे ही नेगेटिव पे बात जाएगी क्या करेगा पटैक से घुमा के पॉजिटिव पे लाने लगेगा यस समझ आया ओके मैं हर क्लास में एक क्वेश्चन लिया करूंगा जैसे आज की क्लास में मैंने इंट्रोड्यूस और लिया अब मैं जब भी कोई एक क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा ऐसा नहीं है कि अब आप उसके डाउट्स कब पूछोगे अब जरूरी थोड़ी है कि अभी डाउट्स आपके मन में हो सकता है आपके आप नेक्स्ट क्लास में कल की क्लास में डाउट लेके आओ कि सर मेरे इंट्रोडक्शन में मेरे को ये वाला डाउट आ रहा है या ये क्वेश्चन है मेरा तो अगर तो मैंने वो वाला डाउट पहले एड्रेस कर दिया होगा तो मैं बोलूँगा कि यार ये मैं एड्रेस कर चुका हूँ पीछे की वीडियो में देख लो जाके अगर नया डाउट होगा तो मैं एड्रेस करूँगा सो हर वीडियो के एंड में मैं आपको टाइम दूंगा कि जो मैंने अभी तक जो आपसे बात की है आप उसके बारे में मुझसे डाउट पूछ सकते हो तो आज क्योंकि मैंने सिर्फ इंट्रोडक्शन के बारे में बात की है तो आप इंट्रोडक्शन को लेकर जो भी डाउट्स हैं मुझसे पूछ सकते हो एंड दिस वुड बी एन एडेड एडवांटेज टू दोजू अटेंड माय लाइव सेशंस ठीक है क्योंकि आप अगर आप इसकी रिकॉर्डिंग देखोगे तो मैं लाइव में ही अटेंड कर सक, बता सकता हूँ डाउट्स आपके और मैं वही वाले रेलिवेंट डाउट्स लूँगा जो आज से रिलेटेड है फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप में से कोई पूछता है कि सर गैप ईयर को कैसे जस्टिफाई करूँ या अकेडमिक्स को लेकर तो वो मैं बात करूँगा मैं उसके ऊपर अलग से एक आ, वीडियो लेने वाला हूँ तो आई विल टॉक अबाउट दैट ठीक है सो जल्दी से मैं देख लेता हूँ अगर इसको लेके आपने अभी तक कुछ पूछा है मुझसे सत श्रीकाल तो अनुभि प्रीत जी आ, थोड़ा सोचना पड़ेगा बैठ के सोचना अन रिलेटेड बट योर डिसीजन मेकिंग वीडियोज़ और क्वाइट हेल्पफुल गुड टू नो राशिद आ, बिल्कुल मुझे तो कितनी बार पूछा है हाउ डीप कैन यू थिंक हाउ डीप थिंकर यू आर आप आपके तो काफ़ी मीम भी बन सकते हैं नहीं डीप <laughs> एनर्जी uh, आकाश uh, मतलब सोचो अगर डीप uh, अगर कभी सोच रहा है बैठ के तो उसको क्या बोलेंगे डीप थिंकिंग <laughs> <laughs> आकाश कह रहा है कि हाउ टू नो कि क्या पता है आई फील कि कुछ पता ही नहीं इज देर एनी वे टू ओवरकम थिंक अबाउट योर इंस्टेंसेज फ्रॉम योर लाइफ आकाश आराम से बैठ के ये सोचो कि मैंने अब तक अपनी लाइफ में क्या क्या किया है और क्या क्या किया है ऐसे पढ़ाई से मतलब नहीं है मेरा आपने अपनी लाइफ में क्या क्या किया कोई आप किसी आप किसी तरीके की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे किस तरीके की चीज़ों से आपको खुशी मिलती है किस तरीके की चीज़ें पसंद नहीं है आप अपने पूरे दिन में टाइम कहाँ स्पेंड करते हो मूवीज़ देखते हो ठीक टहलना पसंद है आपको जिम जाते हो आप अपने टाइम को देखो कि मैं अपना टाइम कहाँ कहाँ स्पेंड करता हूँ और मैंने पास्ट में कहाँ कहाँ पे टाइम स्पेंड किया है वहाँ से आपका आंसर निकल के आएगा यस ओके नेक्स्ट क्वेश्चन दीप बनर्जी का है कि सर अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछें अगर पूछें कि टू जनरल इलेक्शन में किसको वोट दोगे वो मैं सारा बताऊँगा दीप आगे चल के वो आने वाला है uh, शुरू मैं आई एम सो सॉरी अगर मैं आपका नाम गलत अनाउंस कर रहा हूँ एस ए यू आर यू अपने नाम का मीनिंग जरूर प्रिपेयर करना इनफैक्ट मुझे भी बताना सर इंट्रोडक्शन में फैमिली बैकग्राउंड बता सकते हैं अब ये एक अच्छा क्वेश्चन पूछा सरु ने कि क्या हम इंट्रोडक्शन में अपना फैमिली बैकग्राउंड बता सकते हैं तो इसका सीधा आंसर तो है येस yes. मैंने तो आपको पहले ही बताया यू कैन इंक्लूड एवरी थिंग एंड एनी थिंग दैट यू वॉन्ट टू बी टॉक्ड अबाउट बट मेरा आपके लिए क्वेश्चन है सरू क्या आप अपने फ़ैमिली क्या आपको लगता है कि आप अपनी फ़ैमिली बैकग्राउंड के बारे में कुछ ऐसे बारे ऐसी तरीके से बात कर सकते हो या उस डिस्कशन से आपकी पर्सनैलिटी या आपके कैंडिडेचर को बूस्ट मिलेगा चलो यू समझो लेट्स से आपको भगवान के साथ दो मिनट का वक्त मिले भगवान आपके सामने और आपको पहले बताया गया दो मिनट का टाइम है आप भगवान से क्या पूछोगे क्या आप भगवान से ये पूछोगे कि सर कल का मैच क्रिकेट मैच कौन जीतेगा आप तो भगवान हो आप तो, तो पता है और भगवान ने आपको बोल रखा कि जो भी तू पूछेगा तेरे को जवाब दे दूंगा वुड यू आज सच अ डम क्वेश्चन कल कौन जीतेगा ये तो आपको पता लग ही जाने वाला है इसमें भगवान से पूछने का आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो आपको दो मिनट का सुपर प्रेशियस टाइम मिला है एक एक सेकंड सोच समझ के यूटिलाइज़ करना चाहिए ना कि कुछ ऐसा पूछूं जिससे बहुत फ़ायदा हो जाए मेरा मैं यही बात आपको बोलूंगा सरू क्या आप अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में इसलिए बता रहे हो कि वहाँ से कुछ आ, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट निकल के आने वाला है जो आपके कैंडिडेटचर को पूछ देगा या क्या आप उन बहुत सारे लोगों के की तरह बहुत कैजुअली बस मेंशन करने वाले हो कि सर मेरा नाम ये है मेरे पापा माय फादर इज़ अ डॉक्टर माई मदर इज़ अ हाउस वाइफ माई ब्रदर इज़ एन इंजीनियर एंड आई एम स्टडिंग बी बी ये बता के क्या किया इससे इसका क्या करें वो इस इन्फॉर्मेशन का डू यू थिंक इट विल हेल्प देम डिसाइड वेदर यू आर फिट टू बी ए स्टूडेंट एट देयर कॉलेज क्या इससे वो बोलेंगे अरे इसके पापा तो डॉक्टर हैं इसको तो पहले खिले लो एक डॉक्टर का लड़का आ गया अपने पास जैसे हमारे यहाँ हम पटियाला में मैं जाता हूँ तो काफ़ी बार वो बोलते हैं मतलब अगर मान लो दो लड़कियाँ बहस कर रही हैं एक ने बोला कि चल तू तो ऐसे घर से आती है तो दूसरी वाली पता है क्या बोलती है हाँ तू बड़ी डॉक्टर की कुड़ी है तो मतलब तू बड़ी किसी डॉक्टर की बेटी है जो मेरे को बोल रही है तो डॉक्टर की बेटी होना या डॉक्टर के फैमिली में पापा का डॉक्टर होना बड़े Uh, बड़ी रिस्पेक्टेबल चीज मानी जाती है बट क्या इसके बेसिस पे आपको कोई सेलेक्ट करने वाला है तो अगर सिर्फ आप उसी तरीके से मेंशन करने वाले हो जैसे हर कोई कर देता है कैजुअली तो तो बिल्कुल मेंशन मत करो सर व्हाट इज द पॉइंट बट यस अगर आप ये अगर आप अपने फैमिली बैकग्राउंड के थ्रू अपने बारे में कुछ बताने वाले हो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलता हूँ कि सर माई फादर इज एन आर्मी ऑफिसर एंड बिकॉज ही वॉज इन अ ट्रांसफरेबल जॉब आई कंप्लीटेड माई स्कूलिंग फ्रॉम ट्वेल्व डिफरेंट स्कूल्स Because of that, I have become a very adaptable person. I can adapt to new situations easily. I can, I can make friends easily. I have, I have a sort of extrovert personality now. I do not take much time to fit in new situations. yahan pe sense banti hai क्योंकि यहाँ पे through your family background आप अपने बारे में कुछ important बता रहे हो, आप अपनी qualities लेके आ रहे हो अनदर एग्जाम्पल सर बोथ माई माई बोथ माई पेरेंट्स बोलना गलत होता है माई पेरेंट्स आर डॉक्टर्स बोथ माई पेरेंट्स का क्या मतलब दो ही तो होते हैं ऐसा थोड़ी कि किसी के छः पेरेंट है किसी के चार हैं सो सर माई पेरेंट्स आर डॉक्टर्स एंड बिकॉज ऑफ दैट फ्रॉम एन अर्ली एज आई को डेवलप इन माई सेल्फ द क्वालिटी ऑफ एम्पथी फ्रॉम एन अर्ली एज आई हैड सी सफरिंग एंड आई आई हैड सीन वॉट इट मीन्स द सेटिसफैक्शन दैट इट गिव्स यू टू रिलीव पीपल ऑफ दैट सफरिंग एंड देट आई बिलीव हैज़ फर्दर कंडीशनड इन मी इनकलकेटड इन मी द स्ट्रॉग डिज़ायर टू हेल्प पीपल टू एलिविएट दम फ्रॉम देयर सफरिंग नॉट फिजिकली पर हैप्स बट इन अन अदर वे एंड दैट इज़ वॉट इज लेड मी टू ब्लाबलाबलाउ उसको आप अपने एन जी ओ से कनेक्ट करो अपनी अपने वाई एम पी ए से कनेक्ट करो तो अगर तो आप अपनी फैमिली के बैकग्राउंड के बारे में इसलिए बताने वाले हो क्योंकि उससे रिलेट करके आप कुछ इम्पोर्टेंट अपने बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बताने वाले हो तो बताओ अदरवाइज नीडलेसली टाइम वेस्ट मत करो ठीक है वाई यार मिल गया सही एजुकेटर कुमार सौरभ कह रहे हैं सर इफ दे आस्क व्हाट आर योर सिग्निफिकेंट अकॉम्प्लिशमेंट्स तो इसके बारे में मैं अलग से क्वेश्चन ये हमारा अलग से क्वेश्चन है इस पर हम डील करेंगे सेन सर आई स्विच फ्रॉम नॉन मेड इन ट्वेल्थ टू कॉमर्स इन कॉलेज शुड आई मैंशन दैट इन द इंट्रोडक्शन अगेन सेम आंसर अगर आप चाहते हो इसके बारे में बात हो मतलब सी अगर मैं आपसे एज अ पैनलिस्ट पूछूँ कि ओके सेन वाई डिड यू स्विच फ्रॉम मेडिकल टू कॉमर्स इन इन कॉलेज डू यू वॉन्ट टू टॉक अबाउट दिस अगर आप बोलते हो यस सर आई वॉन्ट टू क्योंकि इससे पता लगता है कि आई कैन टेक बोल्ड डिसीजंस आई कैन टेक करेजियस डिसीजंस आई कैन टेक स्टेप्स इन लाइफ विच आर वेरी नॉन ट्रेडिशनल भाई नॉर्मली एक बंदा नहीं चेंज करेगा ना कॉलेज में अपने सब्जेक्ट्स या अपनी स्ट्रीम बट मैं वो बंदा हूँ कि जब मैं रियलाइज़ करता हूँ कि यार दिस इज़ वॉट आई वॉन्ट या दिस इज़ इन माई माई इंटरेस्ट मैं ये नहीं सोचता कि दुनिया क्या सोचेगी अगर आप अपना ये वाला ट्रेड इसके थ्रू डेमॉन्स्ट्रेट करना चाहते हो आप चाहते हो कि पैनल इसके बारे में बात करें तो बिल्कुल इसके बारे में आप करो बात कोई हार्म नहीं है उसमें यस yes. uh, दीपिका सर अगर इंट्रो में कुछ ज़्यादा ना हो बताने के लिए सेम आंसर दीपिका मैंने अभी किसी और को भी बोला आपको लगता है आपके बारे में ज्यादा नहीं है बताने के लिए ऐसा नहीं होता है अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ दीपिका सुनना एक मेरा स्टूडेंट था लास्ट ईयर उसने कहा कि सर मेरे अंदर तो कोई स्ट्रेंथ है नहीं सर मेरे अंदर तो ऐसा कोई क्वालिटीज है नहीं जो मैं बता सकूँ तो मैंने उससे पूछा अच्छा क्या करते हो तो उसने कहा सर कॉल सेंटर में नौकरी करता हूं ठीक पंद्रह हज़ार पंद्रह हज़ार रूपल्ली मिलता है महीने का मैंने कहा अच्छा कॉल सेंटर में क्या टाइमिंग है तो उसने बताया सर नाइट की टाइमिंग है तो मैंने कहा नॉर्मली पूरी ज़िंदगी इससे पहले तुम रात को जागते थे कहता है, नहीं सर पहले तो रात को सोता था तो अब नौकरी है तो, तो मैंने कहा तुमने अपना स्लीप साइकिल अपना बॉडी की जो रिदम है उसके अगेंस्ट जाके अपने स्लीप साइकिल को चेंज किया यानी अडेप्टेबल हो खुद सिचुएशंस के हिसाब से रिक्वायरमेंट के हिसाब से खुद को अडेप्ट कर लेते हो कहते हाँ सर देखा जाए तो हाँ अच्छा मैंने कहा कॉल सेंटर में क्या काम करते हो तो ऐसे सर प्रोडक्ट को लेके लोग कॉल करते हैं कस्टमर्स कौस्ट्र, कौ, की कंप्लेंट या उनकी टेक्निकल कंप्लेंट्स को हैंडल करना होता है तो मैंने कहा जब कम्प्लेंट्स करते हैं तो बहुत अच्छे से बात करते हैं कहते हैं नहीं सर बदतमीजी से भी बात करते हैं कोई तो गाली वाली भी देता है तो तुम गाली देते हो वापस नहीं सर मैं तो नौकरी चली जाएगी तो इसका मतलब सामने वाला अगर गुस्से में भी हो नाराज़ भी हो एब्यूजिव भी हो जाए तब भी अपने आप को तुम एक शालीनता के साथ अपने आप को अपने कंपोजर को मेंटेन रख पाते हो हाँ सर तो यानी तुम्हारे अंदर पेशेंस भी है तुम्हारे अंदर एमपथी भी है कि तुम समझ पा रहे हो कि ये गुस्सा मेरे लिए नहीं है दिस इज नॉट डायरेक्टेड टुवर्ड्स मी दिस इज इरिटेशन दैट ही हैज़ विद द प्रोडक्ट ऑफ द सर्विस दैट द कंपनी गिवन मुझे तो ये जानता भी नहीं इसको मेरा नाम भी नहीं पता तो अगर आप सोचोगे ना दीपिका तो बहुत कुछ है आपके पास अपने बारे में बताने के लिए इसीलिए बोला आपने क्या क्या किया है लाइफ में और आप अपना टाइम कहां कहां स्पेंड करते हो आज और अगर आप पिछले दो तीन चार पांच साल देखो तो कहां कहाँ आपने अपना टाइम स्पेंड किया अगर आप ये देखोगे तो बहुत कुछ निकल के आएगा दीपिका तने सर आई फील लाइक दे वॉन्ट बी इवन फाइव टॉपिक्स दैट आई कैन कैटेगराइज इन यू डोंट नीड फाइव टॉपिक्स इन आई हैव थ्री टॉपिक्स एंड आई एम टेन ईयर्स अहेड ऑफ़ यू टेन ईयर्स एल्डर टू यू अड ऑफ यू वुड बी रॉन्ग टेन ईयर्स ओल्डर देन यू मैं आप लोगों से दस दस साल से ज्यादा ही बुढा हूं अब जाके मेरी लाइफ में आया अगर मैं दस साल पीछे जाऊँ ठीक है अगर मैं दस साल पीछे चला जाऊँ तो मेरे पास टीचिंग भी नहीं था मेरे पास स्टॉक मार्केट भी नहीं था सिर्फ ट्रैवल था ठीक <laughs> है तो ये टाइम के साथ साथ चीज़ें आती हैं आपको पांच चीज़ें चाहिए नहीं तने ए में ए में अगर आपके पास दो चीज़ें भी है ना तो बहुत बढ़िया तो आई वुड सजेस्ट कि ए में कोई भी दो चीज़ें एंड अगेन ज़रूरी नहीं है कि ये आपकी ग्रेजुएशन या वर्क एक्स कोई भी दो चीज़ें तो ए में दो भी हैं तो चलेगा बी में मैं लिख भी देता हूँ ए में एक से दो चाहिए एक तो कम से कम चाहिए दो हो तो बेटर है ठीक बी के लिए आप दो से चार रख लो और सी के लिए तीन से चार रख लो इतना बेयर मिनिमम है इतना का टारगेट लेके चलना है साई कह रहा है कि सर इफ यू लाइक समथिंग वेरी सिंपल से ड्राइविंग और वाचिंग मूवीज इज इट अ गुड पॉइंट डोंट थिंक अबाउट गुड और बैड साई मैंने यही शुरुआत में बोला हमारा ऑब्जेक्टिव यहाँ पे ये नहीं है कि कौन सा अच्छा आंसर होगा हमको अच्छा आंसर नहीं चाहिए हमको वो चाहिए जिसके बारे में आप जानते हो सो माई क्वेश्चन टू यू इज दैट इफ वी टॉक अबाउट वॉचिंग मूवीज और ड्राइविंग कैन यू टॉक अबाउट इट एट लेंथ कैन यू प्रूव दैट यू आर एक्चुअली नॉलेजेबल अबाउट इट येस इफ यू कैन देन एब्सोलूटली यू शुड इंक्लूड इट ठीक है सर वॉट इफ द इंटरव्यूअर कीप्स ऑन टॉकिंग अबाउट स्टफ ऑन द राइट साइड कीप ट्राइंग कीप ट्राइंग टू टेक हिम टू द लेफ्ट साइड वही करेंगे और क्या अगर गाड़ी बार बार राइट को जा रही है मैं बार बार स्टेयरिंग घुमा के लेफ्ट में लाने की कोशिश करता रहूँगा आप देखो इंटरव्यू में जो भी होता है ना पहले तो घबराना नहीं होता उससे हिमांशु अगर आपका पैनलिस्ट आपके मुंह पे भी बोल देना यार तेरे बस की नहीं है तेरा नहीं होगा अब मैंने कल रात को भी ट्वेल्थ फेल मूवी देखी उसमें वो इंटरव्यू दे बाहर जा रहा होता है तो जो मेन पैनलिस्ट होता है क्या बोलता है इट वॉज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम अब सोचो कितना ज़्यादा डीमोरलाइजिंग है ना कि आप इंटरव्यू दे जा रहे हो और पैनलिस्ट बोल रहे हैं कि क्या है यार टाइम बर्बाद हुआ फाइनली उसका सिलेक्शन होता है वो आईपीएस बन जाता है <laughs> तो आपका पैनलिस्ट कुछ भी बोल रहा है अंडरस्टैंड इट इज अ पार्ट ऑफ द इंटरव्यू वो मुंह पे भी बोल हैं ना तेरा नहीं होगा हिमांशु तेरे बस की नहीं है एमबीए करना अंडरस्टैंड कि वो एक्चुअली में आपको वो नहीं बोल रहा वो देख रहा है कि देखते हैं कि इस कॉमेंट पर यह कैसे रिएक्ट करता है ठीक है हाउ डज ही डील विद दिस कॉमेंट सिमिलरली अगर वो जानबूझ के राइट के बारे में बात कर रहे हैं ना जस्ट नो दैट दे आर ट्राइंग टू सी समथिंग इन यू आप अपना उनको लेफ्ट पे ले जाने की कोशिश करते रहो बस सौरभ कैन वी एड इन्वॉल्वमेंट ऑफ माई सेल्फ इन फैमिली बिजनेस वाई नॉट सौरभ यू कैन इन्वॉल्व एनी थिंग इन एवरी थिंग जिसके बारे में आप बात कर सकते हो बट देन बता सकते हो ना फैमिली बिजनेस क्या है आपने कैसे कॉन्ट्रीब्यूट किया यस yes, ये नहीं होना चाहिए कि सर मैं तो गले पे जाके बैठ जाता था वो पैसे देता था मैं पैसे काट लेता था और तो मुझे कुछ नहीं पता मयंक कह रहा है कि सर आई है वन थ्री फोर सर्टिफिकेट्स इन कॉलेज इवेंट्स इंड डिफरेंट स्पोर्ट्स कैन आई मैंशन सी यू कैन मैंशन देम ऑल बट किसको कहाँ मैंशन करना है मयंक वो आप देख लो उन तीन चार स्पोर्ट्स में से कौन से स्पोर्ट को ए कैटेगरी में रखना है कौन से बी को कौन से सी को किसको रखना है किसको नहीं रखना वो आप देख लो मुदित सर एज यू मैंशनड Uh, in your introduction that you are a, you are passionate about stock market and traveling in case I interview ask why you don't leave teaching and pursue interest in your full time because a there are multiple things that I'm interested in. I am also interested in swimming. Why don't I become a swimmer? I am interested in writing. Why don't I become a writer? I am also interested in shayari. Why don't I become a share? So I have interest in and I like doing multiple things. I cannot pursue them all. As professions, I like teaching as well. It's not that I don't like teaching, but teaching among all this, among the, in the set of all the things that I like, teaching is the one that I chose to pursue professionally. Second, I am passionate about traveling, yes. And because I am passionate about traveling, I love traveling. I want to keep it outside of money. I don't want to mix business with passion. I enjoy being a traveler. I do not, I may not necessarily enjoy being a travel entrepreneur. आई मे नॉट इन्जॉय एंटरप्राइजिंग इन ट्रैवलिंग बिकॉज एंटरप्राइजिंग इन ट्रैवलिंग मे नॉट इन्वॉल्व एक्चुअल ट्रैवलिंग राइट जस्ट एज अगर आप मैं अब मैं एजुकेटर हूँ टीचिंग करता हूँ एन्जॉय करता हूँ टीचिंग अगर मैं टीचिंग में एंटरप्राइज करता हूँ तो, तो जरूरी नहीं ना कि मैं खुद टीचिंग कर रहा हूँ गलत से मैं एक इंस्टीट्यूट खोलता हूँ तो क्या ये जरूरी है कि मैं टीचिंग कर रहा हुँगा? शायद हाँ शायद नहीं या फिर मेरा टीचिंग परसेंटेज कम हो जाएगा ना मेरे काम में लेट्स से एडमिनिस्ट्रेशन बहुत बड़ा पार्ट होगा टीचिंग बहुत छोटा पार्ट हो जाएगा बट मुझे तो टीचिंग वाला पार्ट पसंद है इसलिए मैं टीचिंग करता हूँ है ना नोके मुदित एज सिमिलर सिचुएशन आई ऑल्सो हैव समॉट फॉर सम इंटरेस्ट इन माई जॉब प्रोफाइल इज डिफरेंट बिल्कुल तो वही मैंने अपनी तरफ से आंसर दे दिया आप देखो कितना रैशनल लगा आपको निखिल आई हैव वर्क एक्स इन बिग फोर हाउ डू आई मैंशन दैट जस्ट मैंशन दैट फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड नॉट सजेस्ट दैट यू से बिग फोर उसकी ज़रूरत नहीं है सही हमारी ना आदत होती है दिखाने की कि मैं तो इतना बड़ा हूँ जैसे मैं अब हम सब गिल्टी हैं इस चीज़ के तो कहीं पर बात होती है अच्छा लोकेश क्या करते हो कोई अब एक मेरा दोस्त है रितेश कल उसके घर गया था तो उसने पूछा अच्छा तू कहाँ पढ़ा रहा है अन अकेडमी पर अच्छा अब एक आज होती है बताने की कि मैं टॉप एजुकेटर हूँ का जैसे हमारी एक ऐप है उस पे पर अलग एजुकेटर्स की चाहे सामने वाले ने नहीं भी पूछा कि अच्छा बढ़िया चल रहा है तो खुद से मन में आता है कि अच्छा, वे मैं नंबर वन एजुकेटर हूं बताए इसी तरीके से आप मानोगे निखिल कि यही वाली अर्ज आपके अंदर भी आती है ना कि जब आप किसी को बताओ कि क्या काम करते हो लेट से मैं डेटा एनालिस्ट हूँ खुद से मन करता है ना बताने का कि बाय द वे मैं इस कंपनी में गूगल में हूँ या मैं भी जैसे आपने बोला बिग फोर पी डब्ल्यू पी डब्ल्यू में हूँ डिलोइ में हूँ आई वुड सजेस्ट कि पैनल आ, के सामने ये मत बोलो ठीक है दो रीज़न है उसके पहला इट ऑब्वियसली कम्स ऑफ कम्स ऑफ ए शो ऑफ एंड दैट इज़ वॉट इट इज आपको मानना पड़ेगा कि और कोई पर्पज़ होता नहीं है बताने का दूसरा बिग फोर जैसी टर्म उसके लिए सही है ना जिसको पता नहीं है मे बी आप एक बात बताओ कैन यू इमेजिन कि पैनल को नहीं पता कि पी डब्ल्यू सी बिग फोर में आती है तो अगर आप पी डब्ल्यू में काम करते हो या आप डिलोयट में काम करते हो तो अगेन दे नो दैट इट इज़ इट इट इज़ पार्ट ऑफ बिग फोर तो ज़रूरत है नहीं बताने की उसकी चंग केसेस की अगर ग्रेजुएशन को इंट्रोडक्शन में मैंशन नहीं किया और उन्होंने कहा कि आपने ग्रेजुएशन के बारे में कुछ बताया नहीं तो क्या करेंगे कुछ नहीं आप ये बोलेंगे कि सर आई आई फर्स्ट ऑफ ऑल आई डू नॉट फील दैट माई ग्रेजुएशन इज़ नेसेसरली अ पार्ट ऑफ माई आइडेंटिटी secondly since there were no uh, specific requests uh, your specific instruction from your side to include any particular item or not include I chose to include things that I uh, feel better describe who I am ऐसे करके करेंगे वैसे वो ऐसा नहीं पूछेंगे कभी और ऐसा भी नहीं है कि उनको वो note नहीं करेंगे कि graduation के बारे में नहीं बात करी वो note करेंगे but they will not ask दीपिका uh, nothing I did sir I am a college student अरे तो मेरी बहन कॉलेज स्टूडेंट हो मैं एकदम समझ रहा हूँ कॉलेज स्टूडेंट में कुछ सब्जेक्ट पढ़ा होगा कुछ एक्टिविटीज़ अच्छी लगी होंगी कुछ अपने अंदर क्वालिटी डेवलपमेंट हुई होगी कुछ अपने अपने चार चीज़ें नहीं सीखी होंगी अपने बारे में चार चीज़ें जानी होंगी घर में आके कुछ काम घर में आके क्या करते हो दीपिका ऐसे बैठे होते हो ऐसे बैठ के स्पेस में देखते रहते हो नहीं ना कुछ तो करते हो किचन में जाके कुछ बनाते हो कुछ टी वी देखते हो मोबाइल में कुछ करते हो किसी से बात करते हो यू आई एम श्योर दिस समथिंग दैट यू डू राइट निखिल राजेश कहते हैं आई हैव अचीव स्टेट एंड नेशनल लेवल अवार्ड इन स्पेलिंग बी एंड क्विजिंग हाउ मच वेटेज डू दे गिव दे सी आपको इसके कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे कि वो स्पेलिंग कॉम्पिटिशन जीते आप मुझे बताओ निखिल एक मैनेजर के लिए स्पेलिंग कितने इंपॉर्टेंट होते हैं कि अरे भाई इसको तो सारे वर्ड के स्पेलिंग आते हैं इसको तो पहले ले आप यू वुड अग्री दैट इट इज़ इररेलीवेंट राइट आज की डेट में स्पेलिंग का कोई मतलब रह गया जब सब लोग कंप्यूटर पे लिखते हैं और ऑटो करेक्ट हो जाता है इनफैक्ट आप पीछे जाके देखना मैंने फिलोसफी लिखा था तो फिलोसफी के स्पेलिंग गलत लिख दिए थे तो मैंने राइट right क्लिक किया जैसे मैं क्या हुआ था उसका डेमो दे देता हूँ तो ऐसे हो गया था मैंने राइट right क्लिक किया इसने बता दिया कि भाई ये मैंने देखा भी नहीं कि क्या गलती होगी लिखते हुए सो so, पहले तो अंडरस्टैंड कि आपके आपके बहुत सारे स्पेलिंग अगर आपको आते हैं बहुत तगड़ी वो है दैट इज़ इर फॉर अ मैनेजर प्रैक्टिकली इेलीवेंट दैट इज रेलिवेंट टू द एक्सटेंट कि आप उसको इंटरव्यू के बारे में अपने बारे में बात कर सकते हो सो so, उसकी वेटेज कुछ नहीं होगी बट हाँ अगर आप उसके थ्रू अपनी कोई क्वालिटी दिखा सको आपने क्विजिंग के थ्रू इन कॉन्टेस्ट के थ्रू आप अपने अंदर क्या क्वालिटीज़ डेवलप की आपकी पर्सनैलिटीज़ में क्या निखार आया वो वो आप दिखा सकते हो दैट इज़ वेयर इट इज़ यूजफुल टू योर इंट्रोडक्शन टाइगर थ्री फोर स्टेट घूमने गया था वहाँ का एक्सपीरियंस इंक्लूड कर सकते हैं कुछ भी कर सकते हो जिसके बारे में भी आप बात करना चाहो हाँ तने ये वाला बहुत मज़ेदार मुझे हंसी भी आई कल इसने कितनी बढ़िया बात बोली वे अवेज़ बंदे ने इंटरव्यू में कि सर मैंने जब मैं के नीचे पड़ रहा था तो मैंने ये बात सीखी कि इफ यू कैनॉट बी द सन दैट द वर्ल्ड बी द दैम्प दैट शाइन्स द स्ट्रीट और इस पर कितना तगड़ा वो वो थग लाइफ थी उसकी जो मेन पैनलिस्ट था कहता गो बी द लैम्प <laughs> जा तू जाके भी मजेदार थी मूवी अच्छी थी वैसे दक्ष कहता है कि सर माई इंटरेस्ट इज इन पॉलिटिक्स वॉट्स द बेस्ट वे टू डील पॉलिटिकल क्वेश्चन एक्सट्रीमली हाफ हार्टेड न्यूट्रल लेफ्ट वर्सेज राइट Uh, इसके बारे में मैं अलग से डिटेल में बात करूंगा दक्ष बट सिंस यू हैव आस्ड एक कुछ छोटे से सजेशंस ए डोंट टॉक अबाउट पीपल टॉक अबाउट डिसीजंस बंदे के बारे में बात मत करो कि सर वो तो मूर्ख है वो तो बेवकूफ़ है उसको तो कुछ नहीं पता नहीं डोंट टॉक अबाउट पीपल टॉक अबाउट द डिसीजंस टेकन बाय दो पीपल टॉक अबाउट द पॉलिसीज ऑफ दोज पीपल उसमें अब आप अपना व्यू बिल्कुल रख सकते हो बट एक बंदे के बारे में नहीं पॉलिसी के बारे में डिसीजन के बारे में दूसरा रीजंस के साथ ओपिनियन बताने एक रिक्शे वाला भी बता देता है कि हाँ जी ये तो अच्छा हुआ ये तो सरकार ने बुरा किया पढ़े लिखे बंदे में क्या होता है रीज़न होता है तो आपके लॉजिक को देखेंगे यू कैन एब्सोल्युटली हैव एन ओपिनियन मैं कभी भी ये नहीं बोलता कि नहीं आपको तो एकदम पॉलिटिकली करेक्ट होना होता है बीच की लाइन लेनी होती है हाँ ये जरूर है कि आपसे अगर पूछा जाए कि सरकार ने पाँच साल में क्या किया तो सोच के देखो कैन इट बी ऑल पॉजिटिव एंड नो नेगेटिव और कैन इट बी ऑल नेगेटिव और नो पॉजिटिव तो यार रैशनैलिटी में ये भी तो चीज़ है ना कि आपको ये नहीं होना चाहिए कि सिर्फ पॉजिटिव ही दिखाई दे रहा बुरा दिखाई नहीं दे रहा कुछ या बुरा ही दिखाई दे रहा अच्छा दिख ही नहीं रहा कुछ आई दैट इज़ रॉन्ग सिद्धार्थ मोरे कहते हैं कि आई लेफ्ट माई सी ए ड्यू टू नंबर ऑफ़ अटैम्प्स एंड शिफ्ट टू एम बी ए शुड आई आंसर दिस क्वेश्चन पहले तो शुड आई आंसर दिस क्वेश्चन नहीं आपका सवाल शायद ये शुड आई इंक्लूड दिस इन माई इंट्रोडक्शन तो मैं वही बोलूँगा जो मैंने बाकीियों को बोला कि अगर आपको लगता है कि ये आप इसके बारे में बात करना चाहते हो इसके थ्रू आपके बारे में कुछ पॉजिटिव निकल के आता है और आप कर सकते हो ऐसे फ्रेज कि भाई इट शोज दैट आई एम अ पर्सन हु बिलीव्स इन मूविंग ऑन इन लाइफ मैं वहां पे बैठ नहीं गया कि बस अब तो छोड़ो दुनिया खत्म है अब तो क्या है बस अंधेरा है और दारू की बोतल है नहीं आई मूवड ऑन आई आई फॉन्ड फाउंड अव पाथ फॉर माई सेल्फ अगर आप उस तरीके से बताना चाहते हो इस बारे में मैंशन करो अगर आप नहीं बात करना चाहते आप खुद कंफर्टेबल नहीं उसके बारे में बात करने तो मत करो सिद्धार्थ मायंक सिंह सर आई है वर्कड इन गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट फॉर ओनली थ्री मंथ कैन आई मैंशन अगेन आप लिस्ट बनाओ और लिस्ट में देखो ये कहाँ पर आ रहा है अगर तो आपको लगता है कि आपके पास ज़्यादा कुछ नहीं है तो आप इसको मैंशन करो अदरवाइज मत करो सर मेरा कैट ट्वेंटी थ्री और जेड ट्वेंटी फोर एज एक्सपेक्टेड नहीं हुआ नहीं हुआ क्या मतलब आपका एग्जाम हुआ ही नहीं आपका पेपर ही नहीं दिया उन्होंने आपको उन्होंने कहा कि सबको पेपर देंगे तेरे को नहीं देंगे एंड आई एम विलिंग टू रिपीट दिस ईयर उसके लिए प्रेप स्टार्ट करनी है आपको पर्सनल टेक्स्ट कर लूँ कर लो पहला टेक्स्ट कर लो उसके बाद फिर ग्रुप में करना मयंक सिंह एफ एन आई डोंट नो इसका क्या मतलब है काजल शुक्ला सर टेबल टेनिस में नेशनल है तो उसके सारे रिसेंट इवेंट के बारे में बिल्कुल पता होना चाहिए उसके बारे में हम कल बा उसके बारे में हम आगे बात भी करेंगे दीप बनर्जी सर आई हैव मेड मिस्टेक्स इन टेंथ एंड ट्वेल्थ विच रिजल्टेड इन बैड अकेडमिक आई एम थिंकिंग ऑफ मैंशनिंग इन सम वे इन द इंट्रोडक्शन बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू काउंट इट इन द एंड बिल्कुल अगर आप इसके बारे में बात करना चाहते हो करो अब यही कल जो मैंने मूवी देखी ट्वेल्थ फेल उसमें यह बंदा बोलता है कि भाई मैं ट्वेल्थ में फेल हो गया था क्योंकि चीटिंग नहीं हुई एग्जाम में अब हैरान किया यार ये क्या बात है बट इवेंचुअली वो कितना पॉजिटिव निकल गया है ना कि मैं उस एक चीटिंग को छुपाने के लिए दूसरी चीटिंग नहीं करना चाहता था बिल्कुल अगर आप बात करना चाहते हो इस बारे में बाय ऑल मीन्स करो जपनीत सर आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट माय जॉब इन द इंटरव्यू बट आई वॉन्ट देन दे माइट कंसिडर एज अ गैप यर नहीं दे वॉन्ट दे हैव योर डिटेल्स जब आप इंटरव्यू रूम में जाते हो जपनीत उनके पास आपकी डिटेल्स होती हैं जो आपने आप फॉर्म भरोगे ना वो फॉर्म के आंसर होते हैं उनके पास तो अगर आप नहीं बात करना चाहते खुद से मत करो दे माइट स्टिल ब्रिंग इट अप ठीक है और अगर उनको लगेगा गैप तो वो पूछ लेंगे कि इज़ देर एनी गैप इन योर एकेडमिक साइकिल तो आप बोलोगे नो सर आई हैव बीन वर्किंग फ्रॉम हियर तब बता देना मेक दैट आई फॉलो जियो पॉलिटिक्स रादर देन इंडियन पॉलिटिक्स बट दैट डजेंट मीन आई नो एवरीथिंग सी नो बडी नोज एवरी थिंग मैंने इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में बात करी मेक दुत है ना अब सोचो अगर कोई मुझसे पूछे कि अच्छा असम में जो एक नई वाली पार्टी आई है या मेघालय में एक छोटी पार्टी ने का मर्जर हुआ है तो मुझे उसके बारे में मोस्ट लाइकली नहीं पता होगा अपन इंडिया में कहाँ फॉलो करते हैं मेघालय और नागालैंड को विच इज़ अनफॉर्चुनेट बट मैं उतना ही फॉलो कर सकता हूँ जो न्यूज़पेपर्स में और न्यूज़ वगैरह में आता है और वो भी सारा तो नहीं कर सकता सब तो पता भी नहीं होता क्या होता है मेघदूत मुझसे अगर दस क्वेश्चन पूछोगे इंडियन पॉलिटिक्स के तो चार पाँच बता लूंगा चार पाँच भी छोड़ो तीन बता लूँगा है ना तो आपसे भी जियो के बारे में दस सवाल पूछेगा पैनल तो दो तीन बता लोगे तो हो जाएगा कि अच्छा हाँ फॉलो तो कर रहा है ठीक है एक बात और याद रखो मेघदूत यू आर नेवर रिजेक्टेड और सेलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ द क्वेश्चन दैट यू डिड नॉट आंसर मतलब जिस सवाल का जवाब आपने नहीं दिया ना कि सर ये नहीं पता उसके बेसिस पे आप कभी सेलेक्ट रिजेक्ट नहीं होगे यू विल ऑलवेज बी सेलेक्टेड और रिजेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ द क्वेश्चन दैट यू डिड आंसर ठीक ऑल राइट आई हैव नो मोर कॉमेंट्स टू आंसर सो आई विल एंड द सेशन हेयर मैं नहीं चाहता कि ये सेशन बहुत लंबे हो मैं चाहता था कि एक घंटे में खत्म हो जाए बट डेढ़ घंटा खींची गया आज भी सो so, कल भी हमारा सेशन होगा रोज़ साढ़े आठ बजे एट थर्टी पी डेली आई विल टेक दी सेशन और आ, हर रोज़ एक नया क्वेश्चन लेने की कोशिश करूँगा बिफोर आए गो आपको बता दूँ कि हमारा अन का कैट ट्वेंटी थ्री का ज़बरदस्त रिजल्ट रहा है लुकेट परसेंटाइल्स धूम मचा दी हमने यार इतने सारे 99 नाइन प्लस नाइन्टी एट प्लस मज़ेदार और हमारा नेक्स्ट बैच 13 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है अभी कोई बात भी कर रहा था फॉलो करना चाहता है मुझे वी के लिए सो so, हमारा नेक्स्ट बैच 13 जनवरी से आ रहा है मैं भी हूँ इस बैच में 13 जनवरी से ही मेरा नया कोर्स शुरू होगा आर बेसिक्स फ्लैगशिप कोर्स है मेरा इसमें मैं अपनी सैप टेक्निक सिखाता हूँ स्कैनिंग मेथड सिखाता हूँ तो ये फ्लैगशिप कोर्स है मेरा एकदम कब कब क्लासेज होंगी वीकडेज में क्लासेज होंगी थ्री डेज ट्यूजडे थर्सडे सैटरडे टेन थर्टी पी स्टार्टिंग थर्टीन जैन तो ये वाला बैच आप ज्वाइन कर सकते हो पूरा कैट ट्वेंटी फोर का सिलेबस कराएंगे बहुत सारे मॉक्स क्वेश्चन कराने वाले हैं आपको ठीक है ऑल राइट दोस्तों इफ देर इज समथिंग दैट यू एंड यू वॉन्ट टू परसू आपने अभी तक प्रू, अभी तक परसू नहीं किया तो मैंशन मत करो सर एक बात करा हुआ मैंने मैसेज आपको तभी भी कर लूँ क्या सर एक बार करा हुआ है देखो अगर आपने किया हुआ और मैंने बोल दिया था कि भाई आगे से ग्रुप में करना तो मैं वही बोलूँगा कि भाई ग्रुप में करो अगर कुछ पर्सनल हो कुछ कॉन्फिडेंशियल टाइप हो तो अलग बात है अदरवाइज़ तो मैं नहीं रिप्लाई कर पाऊँगा सर ओके yeah, okay. ऑल राइट ऑल राइट सो वी एंड द सेशन ईयर ठीक है भाई बाय बाय गुड नाइट कल मिलूंगा आप लोगों से और इसी तरीके से रोज एक एक क्वेश्चन को आपको डिटेल में बताऊंगा अब कोई अगर एक्सपेक्ट कर रहा है कि सर हम तो सब सोच रहे थे कि आप एक सेशन लोगे उसमें सारे क्वेश्चन का आंसर दे दोगे तो हम तो वैसे सोच के बैठे थे तो यार मुझे तो देखो ऐसा करना नहीं आता मैं तो विस्तृत रूप से समझाता हूँ और अगेन मैं आपको कहीं पर भी ये नहीं बताऊँगा कि इसका आंसर लिखो नोट करो पहला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर वन लिखो आंसर नहीं मैं आपको इन सारे सेशंस में ये बताऊंगा कि क्वेश्चन का आंसर सोचते कैसे आपको अपने क्वेश्चन का आंसर कैसे फ्रेम करना है किन चीज़ों का ध्यान रखना है डूज एंड डोंट्स के है। मैं आपको वो बताऊँगा मैं आपको पानी तक लेके जाऊँगा बट पियोगे आप खुद ठीक है चलो दोस्तों आज की गेम ख़त्म कल आपसे साढ़े आठ बजे मिलूंगा ओके बाय बाय